नमस्कार बच्चों तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर मैं हूं पंकज बोरासी और मेरे प्यारे बच्चों आज हम बोर्ड बूस्टर सीरीज में रसायन विज्ञान को शुरू करने जा रहे हैं और अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की तो आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे अध्याय को इस पूरे चैप्टर को हम एक लेक्चर में खत्म करने वाले हैं एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं तो अगर मैं बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों, पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इस चैप्टर तो हाँ, से संबंधित मैं सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और शेयर करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम उन प्रश्नों का उत्तर देंगे क्या देंगे उत्तर तो चलिए शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं सर बताइए तो प्यारे बच्चों पहला जो टॉपिक है है वो क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं ठीक है वो हमें पता होना चाहिए दूसरा एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है रासायनिक समीकरण तो हमने समझा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए थर्ड बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यह है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं सारे प्रकार मुझे बताइए और जो चौथा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर अधिकतर बच्चे फंसा करते हैं कि, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मैं संतुलित कैसे करूं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मैं क्या संतुलित कैसे करूं मेरे प्यारे बच्चों तो ये टॉपिक्स है ना तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहीं से मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन आने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए भाई पहला प्रश्न देखते हैं क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है तो चलिए सर अब हमें बता दीजिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं तो देखिए समझिए आपने रासायनिक संगठन के आधार पर परिवर्तन को पढ़ा है पिछली कक्षाओं में है ना मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपने दो तरीके के परिवर्तन पढ़े थे एक होता था भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो होता था मेरे प्यारे बच्चों वो होता था रासायनिक परिवर्तन क्या होता था रासायनिक परिवर्तन देखिए देखिए यहां पर परिवर्तन सर आपने बोला एक होता था भौतिक परिवर्तन है ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है और दूसरा सर वो होता था वो होता था क्या रासायनिक परिवर्तन क्या होता था रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे बहुत अच्छे मजा आया अब सर मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन, 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 परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है क्या होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है चलिए भौतिक परिवर्तन को डिस्कस करते हैं तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों भौतिक गुणों में परिवर्तन कौन से गुणों में भौतिक गुणों में परिवर्तन ठीक है हाँ भाई देख लिया सर मैं समझा थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं सर भौतिक गुण क्या होते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों इस पेन को देखो इस पेन को तुम देखते हो क्या बोल सकते हो उसके बारे में सर ये ठोस है क्या है ठोस है अच्छा ये ठोस है क्यों ठोस है सर इसका आकार और आयतन निश्चित है इसका आकार और आयतन निश्चित है इसलिए ठोस है अच्छा तुमने कैसे बताया सर हमने देखा बाहर से दिख रहा है तो हमने बताया तो जितने भी गुण जितने भी गुण जिनको तुम बाहर से ऑब्जर्व करते हो वो कौन से गुण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों भौतिक गुण कौन से होते हैं भौतिक गुण मतलब सर इसकी अवस्था इसका आकार इसका आयतन समझ रहे हो ये सारे गुण क्या है भौतिक गुण और अगर उन गुणों में परिवर्तन आ जाए अगर उन गुणों में परिवर्तन आ गए मेरे प्यारे बच्चों तो उसको मैं क्या बोलूंगा भौतिक परिवर्तन क्या बोलूंगा भौतिक परिवर्तन देखो जैसे अगर मेरे पास H2O है है ना अब H2O बर्फ है क्या है मेरे प्यारे बच्चों बर्फ मान लिया हमने क्या है बर्फ है तो बर्फ है तो H2O किस फॉर्म में रहेगा सर सॉलिड फॉर्म में रहेगा ठोस अवस्था में रहेगा अब इसको तुमने गर्म किया क्या किया गर्म तो ये क्या बन जाएगा सर H2O लिक्विड क्या बन जाएगा H2O लिक्विड अच्छा इसको और गर्म कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे तो क्या बन जाएगा देखो सर H2O गैस H2O गैस यहां पर बन जाएगा जल और यहां पर बन जाएगी जलवाष् क्या बन जाएगा जलवाष्प बताओ समझ आया तो यहां परिवर्तन आया और जब भौतिक गुण मतलब भौतिक 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 गुण गुण मतलब अवस्था अवस्था है है ना एक अवस्था भी एक, एक है। अगर उसमें परिवर्तन आ गया तो वो कौन सा परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर मुझे आ गया अच्छा सर क्या और भी एग्जाम्पल्स हैं हाँ बिल्कुल है और भी एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक पेपर है क्या है? एक पेपर उस पेपर देखो एक प्लेन पेपर है अब उसको क्या करो तुम ना एक गेंद बना लो एक गोला बना लो अब जैसे ही तुमने वो गोला को बनाया तो पहले कैसा था बेटा एक प्लेन पेपर था अब क्या बन चुका है अब सर गोला बन चुका है क्या कर दिया तुमने सर आकार को मैंने बदल दिया क्या कर दिया आकार को मैंने बदल दिया आकार कौन सा गुण है सर भौतिक गुण अरे सर वो भौतिक परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों को आ रहा है अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं यहां पर कोई नई चीज बनी क्या नहीं बनी तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कोई नया पदार्थ बनता है क्या नया पदार्थ बनता है क्या यहां बताओ यहां पर कोई नया पदार्थ बनता है क्या नहीं बनता नया पदार्थ नहीं बनता तर जैसा था वैसा ही रहा एस टू ओ था एस टू ओ ही रहा यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बना उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ गया उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ गया बहुत अच्छे अच्छा सर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो बताइए तो देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक गुणों में परिवर्तन कौन से गुणों में परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन तो चलिए देखते हैं सर यह होगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन ठीक है हाँ भाई मैं सीख गया भाई तो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन है वो क्या होगा रासायनिक परिवर्तन ठीक है हाँ अच्छा चलो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं तुमने जो पेपर था ना जिसको प्लेन करके तुमने गोला बनाया था उस गोले को जला दो उस गोले को क्या कर दो जला दो जलाने पर क्या होगा सर वो जो उसके अंदर जितना भी कार्बन कंटेंट है जितना भी कार्बन है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा क्या बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सर उसमें क्या होगा उसमें ये होगा कि ये जो कार्बन है ना वो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा है ना ये सूत्र क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा ठीक है सर कार्बन डाइऑक्साइड उसने बना ली अब बताओ पहले कार्बन था बाद में क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड कोई नई चीज बन गई हां मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं रासायनिक उसमें है ना रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ क्या होता है बनता है नया पदार्थ क्या होता है बनता है ठीक है तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है पर भौतिक परिवर्तन में नहीं होता भौतिक परिवर्तन में नहीं होता समझ पा रहे हो हाँ बहुत अच्छी सी चीज समझते हो सर आपने बोला रासायनिक गुण ठीक है मतलब सर अगर उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन है जैसे हमने देखा कि कार्बन जो है वो कार्बन नहीं रहा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है है ना मतलब रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ गया रासायनिक गुण क्या होते हैं जैसा मैंने बताया मतलब आपको बताता हूं कि किस प्रकार के परमाणु उसमें उपस्थित है है ना उन परमाणुओं के मध्य किस प्रकार के बंध है वो किस प्रकार व्यवस्थित है तो जितने भी आंतरिक गुण जितने भी आंतरिक गुण जितने भी इंटरनल प्रॉपर्टीज है वो क्या है भाई मेरे प्यारे बच्चों वो है रासायनिक गुण क्या है रासायनिक गुण और जो बाहर से तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है भौतिक गुण वो कौन से गुण है भौतिक गुण ठीक है तो जहां पर कोई नई चीज बन जाए वो क्या होगा रासायनिक परिवर्तन और जहां पर कोई नई चीज ना बने है ना जहां पर कोई नई चीज ना बने वो कौन सा परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन ठीक है हां तो चलिए सर देख लेते हैं इस प्रश्न को कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं तो चलो मेरे प्यारे, प्यारे बच्चों देखते हैं पहला क्या है कि निम्न निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है पहला ऑप्शन क्या है जल के क्वन से है ना जल के क्वन से जलवाष्प का बनना तो मेरे प्यारे, प्यारे बच्चों देखते हैं जल क्या है भाई सर जल है एच और आप बोल रहे हो जल मतलब लिक्विड अब इसको आप बॉयल कर रहे हो तो मतलब आप गर्म कर रहे हो कथन कर रहे हैं। अब कथन करने पर क्या होगा भाई जलवाष्प बनेगी क्या बनेगी जलवाष्प, है ना? और जलवाष्प क्या होगी H2O, टू ओ वो भी कैसा गैस H2O, गैस ठीक है H2O गैस तो H2O लिक्विड से H2O गैस बनना बताओ भाई कोई नई चीज बनी क्या कोई नई चीज बनी क्या नहीं कोई नई चीज नहीं बनी और ऐसे परिवर्तन को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे हाँ भौतिक परिवर्तन क्या कहेंगे भौतिक परिवर्तन तो सर हमसे तो पूछा है भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है हमें बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है समझ रहे हो जो भौतिक नहीं होगा वो क्या होगा रासायनिक परिवर्तन यहां देखते हैं बर्फ है सर बर्फ होगा एच टू ओ सॉलिड एच टू ओ सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में होगा इसको गर्म कर दो क्या कर दो गर्म कर दिया है ना तो बर्फ को तुमने पिघला दिया वो पानी पानी हो गया क्या हो गया हाँ सही सोच रहे हो पानी पानी हो गया तो सॉलिड से क्या चेंज हो गया लिक्विड बताओ कोई नई चीज बनी नहीं बनी मतलब वो कौन सा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन मुझे बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया चलो भाई थर्ड देखते हैं कि जल में लवण का विलय होना जल में लवण का विलय होना अब एक बात बताओ ये मेरे पास पानी है क्या है एक पानी मैंने क्या किया भाई थोड़ा सा नमक लिया क्या लिया थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल दिया बताओ क्या बना सर नमक का पानी मैंने थोड़ा और नमक लिया फिर डाल दिया बताओ क्या बना सर नमक का पानी अच्छा थोड़ा और नमक लेता हूँ फिर क्या बना सर नमक का पानी क्या बना नमक का पानी मतलब यहां पर कोई नई चीज नहीं बन रही है अगर तुम इस पानी को वापस गर्म करोगे नमक के पानी को गर्म करोगे तो नमक अलग पानी अलग नमक अलग पानी अलग मतलब कोई नई चीज बनी नहीं तो कौन सा परिवर्तन हुआ भौतिक परिवर्तन तो तो अगर जल में किसी लवण को तुम कर रहे हो है ना तो वो कौन सा परिवर्तन होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा भौतिक परिवर्तन और मुझे बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है तो चलो इधर देखो अगला देखते हैं सर अभी आपने लिखा है जो ऑप्शन डी है उसको देखते हैं ऑप्शन डी बोल रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस सुना-सुना लग रहा है क्या हाँ, द्रवित मतलब लिक्विड एल पेट्रोलियम मतलब पी और गैस मतलब जी अरे सर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे हम कुकिंग में यूज करते हैं भाई घर में है ना फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होता है ईंधन के रूप में यूज होता है घर में तो मतलब एलपीजी गैस का तुम दहन कर रहे हो मतलब जला रहे हो मतलब ऑक्सीजन से भी क्रिया करवा रहे हो और जब एलपीजी का दहन होता है तो कौन सी गैस निकलती है सीओ कौन सी गैस निकलती है सीओ क्या कोई नई चीज बन रही है हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोई नई चीज बन रही है हाँ। और जहां पर कोई नई चीज बन जाए मेरे प्यारे बच्चों वो होगा रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं होगा और हमसे यही पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा क्या होने वाला है करेक्ट होने वाला है क्या होने वाला है करेक्ट होने वाला है तो सिंपल सा एक कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है जहां कोई नई चीज बन जाए वो है रासायनिक परिवर्तन और जहां पर कोई नई चीज ना बने वो है भौतिक परिवर्तन क्या है भौतिक परिवर्तन तो चलो भाई हमने सीखा अच्छा मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं देखो जो एक कंसेप्ट तो में याद रहना चाहिए देखो मैं बताता हूं जो भौतिक परिवर्तन होता है ना वो भौतिक परिवर्तन जो होता है ना वो प्यारे बच्चों देखो अगर मान लो तुमने क्या किया पानी को ग... मतलब उसकी बर्फ बना ली अब बर्फ को तुमने गर्म किया क्या किया गर्म ब... जब गर्म किया तो क्या बन गया जल और गर्म किया तो वाष्प बन गई और उस वाष्प को वापस ठंडा कर दो क्या बन जाएगा वापस जल जल को ठंडा कर दो क्या बन जाएगी बर्फ मतलब ये क्या है एक रिवर्सिबल है ना एक रिवर्सिबल प्रकृति है एक उत्क्रमणीय प्रकृति है रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय प्रकृति क्या होते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं है ना मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं क्या बोलता हूं इसको मैं बोलता हूँ रिवर्सिबल नेचर क्या बोलता हूँ रिवर्सिबल नेचर ठीक है क्या सारे भौतिक परिवर्तन के होते हैं? तो हैं, हाँ, होते हैं पर सभी होते हैं क्या क्या सभी उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं सभी होते हैं क्या तो इसका आंसर आएगा नहीं सभी नहीं होते सभी नहीं होते सपोज करो कि तुम्हारे पास एक पेपर है प्लेन कागज है उस कागज को काट दो फाड़ दिया क्या कर दिया फाड़ दिया वापस फिर खाड़ दिया बताओ कोई नई चीज बनी क्या नही शर, नही नहीं सर नई चीज नहीं बनी बताओ कौन सा परिवर्तन सर भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन अब सोचो वापस उससे बड़ा वाला कागज बना के दिखाओ वापस उससे बड़ा वाला कागज बनाकर बताओ बना पाओगे क्या नहीं सर मतलब रिवर्सिबल नहीं है और भौतिक परिवर्तन है रिवर्सिबल नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन है समझ तो पा रहे हो मेरे बातों को हाँ ऐसे तो बेटा सभी उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होते हैं। समझ गए हो हाँ एक बहुत प्यारा और एग्जाम्पल बताता हूँ दो धातु ले लो है ना कॉपर और जिंक ले लो कौन कौन से ले लो भाई कॉपर ले लिया और जिंक ले लिया दोनों को क्या कर दिया भाई मेल्ट करो है ना और मिक्स कर दो क्या कर दो मिक्स अब उनको है ना वापस तुम सेपरेट करके बताओ नहीं कर पाओगे है ना भौतिक प्रक्रियाओं से नहीं कर पाओगे ना कि तुम गर्म करोगे तो तुम सोच लोगे कि भाई कॉपर अलग जिंक अलग नहीं ऐसा नहीं होगा तो तो पर वो है भौतिक परिवर्तन क्योंकि उन्होंने एक मिश्रण बनाया क्या बनाया है ऐसे तो है ना ऐसा होता है तो एग्जाम्पल के लिए क्या करते हो कि भाई इसिबल कौन है अनुत्क्रमणीय कौन सा होता है अनुत्क्रमणीय कौन सा होता है कौन सा अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है ना मैं लिख देता हूं कौन सा अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है वो क्या होगा हमारा कागज का काटना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कागज का काटना चलो लिख देते हैं ना कागज को काटो कागज का काटना है ना वो कौन सी प्रकृति का वो, वो होगा सर अनुत्क्रमणीय कौन सा होगा अनुत्क्रमणीय चलो लिख देते हैं हाँ अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार कागज काट दिया उससे बड़ा कागज नहीं बना सकते वापस हो गया है ना तो सारे भौतिक परिवर्तन है ना उत्क्रमणीय प्रकृति के नहीं होते एक रासायनिक परिवर्तन के बारे में फैक्ट बताता हूँ चलो सर सर जैसे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय मतलब उत्क्रमणीय प्रकृति के होते सामान्यतः है ना तो क्या रासायनिक परिवर्तन अनुक्रम नहीं होते क्या देखो सोचो तुमने कागज लिया कागज को जला दिया कागज को जला दिया ठीक है कागज लिया कागज को जला दिया क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड क्या उस कार्बन डाइऑक्साइड से तुम वापस कार्बन बना सकते हो समझ रहे हो उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या तुम वापस कार्बन बना सकते हो नहीं सर नहीं बना सकते तो वो कौन सी प्रकृति हो गई सर वो इरिवर्सिबल है और ऐसे परिवर्तन को मैं बोलता हूं अनुत्क्रमणीय क्या बोलता हूं अनुत्क्रमणीय क्या बोलूंगा अनुत्क्रमणीय अच्छा सुनो इसको क्या बोलते हैं इिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं चलो भाईबल नेचर होता है अच्छा क्या सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं क्या सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं नहीं इसमें भी है ना सभी होते हैं क्या होते हैं क्या बताओ मेरे प्यारे बच्चों होते हैं क्या नहीं देखो अब उदाहरण बताते हैं तुम्हारे सर है ना तुम्हारे पंकज भैया उदाहरण बताएंगे तो सोचो तुम्हारे पास क्या है क्या होता है एक होती है मेरे प्यारे बच्चों अमोनिया निर्माण है ना अमोनिया निर्माण की एक हैबर विधि कौन सी होती है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ एक इक्वेशन बताता हूँ कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ किसके साथ हाइड्रोजन के साथ और क्या बनती है अमोनिया क्या बनती है अमोनिया जैसे मैं बता देता हूं ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है नाइट्रोजन है ना और ये मेरे पास क्या है हाइड्रोजन ठीक है हाँ बहुत अच्छे और ये अभी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों अमोनिया क्या बनाते हैं अमोनिया ठीक है ammonia, बस इतना समझते रखो कि ये दोनों मिलकर अमोनिया बना रहा है क्या बना रहे अमोनिया अभी सिंपल ये है ना क्या लिखा हुआ है इक्वेशन लिखी हुई है मैंने केमिकल इक्वेशन ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं जस्ट बाद में तो यहां पर क्या हो रहा है कि अमोनिया वो बना रहे हैं तो क्या होता है मेरे बच्चों तुम्हें बताता हूं भाई अमोनिया बन गया था बन जाना था और क्या होता है ये वापस विघटित होकर यह बनाते थे समझ रहे हो क्या हो गया रिवर्सिबल हो गया क्या हो गया रिवर्सिबल मतलब ये रिएक्शन रिवर्स हो गई क्या हो गई रिवर्स हो गई और यह कौन सी अभिक्रिया है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया <irony> है मतलब वो देखो वापस चेंज हो गया मतलब जो चीज बनी थी उससे वापस वो चेंज हो गई बट कार्बन को जब जला रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन वापस नहीं बन रहा था बट इसमें बन गया इसमें अमोनिया देखो अमोनिया जैसे बना वो वापस किसमें बदल गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में है ना तो हो गई ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो ये कई बुक्स में ऐसा दिया होता है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं बट ऐसा सभी नहीं होते मानते हैं होते हैं। पर होते हैं सभी नहीं उसके भी कुछ होते। देखो देखो कागज को काट दिया तो है ना और यह अमोनिया हमने उदाहरण ले लिया समझ रहे हो ना हाँ तो ये तो मैं कंसेप्ट पता होना चाहिए बेटा अगर कभी प्रश्न आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चे कभी इसको गलत नहीं करेंगे गलत नहीं करेंगे चलो भाई तो देखते हैं ठीक है हाँ चलो भाई तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अब है ठीक है हाँ अब है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो चलो सुनाते हैं हम तुम्हें क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया देखो सुनो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है वह प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे मैं क्या कहता हूं रासायनिक अभिक्रिया सर नया पदार्थ तो रासायनिक परिवर्तन में बनता है हाँ, तो रासायनिक परिवर्तन ही असल में क्या है रासायनिक अभिक्रिया क्या है रासायनिक अभिक्रिया चलो भाई देख लेते हैं तो वह भाई वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है किसका नए पदार्थ का निर्माण होता है न्यू सब्सटेंस का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दू ये है हमारे पास सोडियम क्या है सोडियम देखो ये क्या है सोडियम लिख देते हैं भाई बहुत अच्छा तरीका है ठीक है हाँ सोडियम लिख लेते हैं ठीक है नए पदार्थ का निर्माण होता है ये लिख दिया मैंने नए पदार्थ का निर्माण होता है ठीक है हाँ. और यहां पर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों सोडियम हम ले लेते हैं देखो यहां पर मैंने ले लिया सोडियम क्या ले लिया सोडियम ठीक है हाँ सर तो सोडियम क्या होता है बेटा एक बहुत क्रियाशील धातु है बहुत क्रियाशील धातु है ये इतनी क्रियाशील धातु है ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है क्या करती है हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है मतलब पानी के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बना ले दिया हाइड्रोजन गैस और समझ जाओ हाइड्रोजन गैस कितनी ज्वलनशील गैस है तो वहां पर अगर तुमने ज्यादा बड़ा क्यूब है ना ज्यादा बड़ा है ना ले लिया तुमने सोडियम का टुकड़ा और उसको तुमने पानी में डाल दिया तो हो भी सकता है छोटा सा विस्फोट हो जाए क्या हो जाए विस्फोट और तुम ये बिल्कुल करने वाले हो <laughs> चलो तो यहां पर क्या होता है कि सोडियम एक बहुत क्रियाशील धातु है सर यह पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है किससे भी पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है क्या बात है और एक होती है बेटा क्लोरीन क्या होती है क्लोरीन ठीक है क्लोरीन जो है वो क्या है एक बहुत ही पॉइजनस गैस है पॉइजनस मतलब जहरीली वैशैली गैस है क्या बात है सर मतलब एक पानी से में भी आग लगा दे और दूसरा बहुत जहरीला अच्छा ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड क्या बनाएंगे सोडियम क्लोराइड क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड अच्छा सर दोनों ने मेरा क्रिया करी दोनों ने बनाया वही अब सोचो ये बहुत ज्वलनशील जैसा मैंने बताया ये बहुत जहरीला और इसको तुम डेली खा रहे हो टेबल सोल्ट सुना है साधारण नमक सुना है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड घर में खाते हो ना मम्मी सब्जी में नमक कम है वो यही तो है यही तो है एन तो सोडियम क्लोराइड सोचो मतलब सर सोडियम क्लोराइड अगर मैं डेली खा रहा हूं तो वो ये तो नहीं है ये कोई नई चीज बनी होगी समझ रहे हो ना कोई नई चीज बनी होगी क्योंकि अगर इन दोनों को तुम अलग अलग ले लेते हैं तो भी सकता है कि भाई ना जीवन खतरे में होता तो वो जीवन खतरे में ना जाए मेरे प्यारे बच्चों तो इन दोनों ने एक ऐसी चीज बनाई जो उन दोनों से अलग है एक नई चीज है समझ गए समझ गए मतलब इन दोनों ने अभिक्रिया करके एक नई चीज बनाई जिसका मतलब जिसके गुण इन दोनों से डिफरेंट है क्या है डिफरेंट है और ऐसी नई चीज को मेरे प्यारे बच्चों मैं बोलता हूं उत्पाद क्या बोलता हूं उत्पाद और जो चीज है ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है इनको मैं बोलता हूं अभिकारक क्या बोलता हूं अभिकारक क्या बोलता हूं अभिकारक सो तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ना पदार्थ को हम बोलते हैं अभिकारक और बनने वाला नया पदार्थ हमेशा याद रखना उत्पाद हमेशा नया होगा अगर नया नहीं होगा तो वो क्या होगा भौतिक परिवर्तन फिर वो रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं होगी तो हमेशा उत्पाद क्या होता है नया होता है क्या होता है नया होता है सर मजा आ रहा है मुझे मुझे समझ आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे जैसे कि कार्बन है ना क्या है बेटा कार्बन है कार्बन से क्या करवा दी मैंने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा दी किससे अभिक्रिया करवा दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करवा दी चलो देख लेते हैं मेरे पास सर था क्या था सर कार्बन था ठीक है उसकी मैंने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दी किस करवा दी ऑक्सीजन से ठीक है क्या बना सर बना कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना कार्बन डाई ऑक्साइड क्या बना मेरे बच्चा लोगों कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है अच्छा देखो पर क्या है कार्बन अलग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक नई चीज बनी होगी है हाइड्रोजन भयंकर समझ रहे हो क्या भयंकर भयंकर ज्वलनशील गैस है और सर ज्वलनशील मतलब भाई इसका तो रॉकेट में फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होता है ना लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है रॉकेट जाता है ना तो उसमें क्या होता है एज अ फ्यूल एज एधन यूज होता है ईधन के रूप में इसका उपयोग होता है और ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन भाई साहब ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज के दहन करने में सहायक है तो एक है भाई हाइड्रोजन जो बहुत भयंकर जलता है और एक है ऑक्सीजन जो जलाने में बहुत सहायक है अब क्या होगा अब ये दोनों एक ऐसी चीज बनाएंगे जो नहीं होगी जो क्या होगा जल क्या होगा जल जिसको तुम डेली पी रहे हो तो बनी ना कोई नई चीज जो इन दोनों से अलग है फील कर पा रहे हो रासायनिक अभिक्रिया को हाँ मेरे प्यारे बच्चों तो हाइड्रोजन एक बहुत ज्वलनशील गैस ये जलने में सहायक बनाया जल जो आग जा आ, समझ रहे हो ना हाँ तो ये मैं पता हो ना चाहिए अच्छा एक बात सुनो एक बात सुनो देखो तुम्हें तो बहुत अच्छी प्यारी सी बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ठीक है यहां पर जो कार यहां पर जो सोडियम है सोडियम का अगर तुमने रासायनिक संकेत तो मैं याद हो तो वो क्या होता था वो होता था सोडियम एन और ये ठोस है तो सॉलिड ना क्लोरीन क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों गैस होता था क्या होता था गैस और ये मिलकर क्या बना रहे हैं एन क्या बना रहे हैं एन ठीक है हाँ ये क्या बना रहे हैं एनए जो भी कैसा होता है ठोस होता है क्या होता है ठोस कैसा होता है ठोस लवण कैसा होता है ठोस होता है अच्छा मैं इसके बारे में यह लिख सकता था कि सोडियम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कर सोडियम धातु क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है किसका निर्माण करता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण एक बड़ा सेंटेंस था ना एक प्रॉपर सेंटेंस था ना अब सोचो मैंने अभी क्या लिखा था एक पूरी अभिक्रिया को एक जटिल अभिक्रिया को देखो तुम सोडियम के बारे में बहुत कुछ लिख सकते थे ना हाँ सोडियम एक धातु है बहुत क्रियाशील धातु है क्लोरीन के बारे में है सकते हैं सर ये ये है है गैस और सोडियम क्लोराइड बना रहे समझ जिसका हम खाने में यूज़ कर तो समीकरण से, से, से तो इसको मैं बोलता हूं शब्द समीकरण क्या बोलता हूं शब्द समीकरण क्या बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों शब्द समीकरण ठीक है हाँ सर शब्द समीकरण बोलते हैं और ऊपर देखो ऊपर तो देखो ऊपर मैंने पूरी की पूरे है ना अभिक्रिया को एक रासायनिक संकेत एक रासायनिक संकेत है ना या फिर बोल सकते हैं रासायनिक सूत्रों के एक है ना समीकरण से मैंने उसको व्यक्त किया तो इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं बोलता तो हूं रासायनिक समीकरण क्या बोलता हूं रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र अथवा रासायनिक सूत्र अथवा रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उससे मैं बोलता हूं रासायनिक समीकरण क्या बोलता हूं रासायनिक समीकरण तो मेरे प्यारे बच्चों को आ चुका है कि रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्या है कि भाई अब एक और सुनो एक और पॉइंट सुनो भाई रासायनिक अभिक्रिया होती होगी तो मुझे कुछ तो पता चलना चाहिए कि हो गई

है ना दो अभिकारक मतलब अभिक्रिया कर रहे थे है ना एक फेज में जली, मतलब जली अवस्था में वो क्या कर रहे थे अभिक्रिया कर रहे थे और उन दोनों ने अभिक्रिया करके एक ऐसी चीज चीज बना बना दी बना दी समझना वर्ड्स एक ऐसी जो जल में विलय ना हो जो जल में विलय ना हो मतलब एक ऐसे ठोस का निर्माण हो जाए एक ऐसे ठोस का निर्माण हो जाए जो जल में अविलय हो क्या हो अविलय हो तो उसे मैं बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों क्या अवक्षेप क्या बोलता हूं अवक्षेप समझ में आया हाँ तो अवक्षेपण अभिक्रिया बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जब हम अभिक्रिया के टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसी में ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होने वाले हैं कवर होने वाले हैं मैं सारी अभिक्रिया तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा कहां पे तापमान में परिवर्तन आ रहा है कहा अवस्था में परिवर्तन आ रहा है अवस्था तो अभी देख लिया ना तुमने ठीक है कहा तापमान कहा गैस में परिवर्तन आ रहा है मतलब सॉरी गैस का उत्सर्जन कहां हो रहा है कहा अवक्षेप का निर्माण हो रहा है समझ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं अपन चलो भाई इनकी भी अभिक्रिया लिख लेते हैं जैसे कि कार्बन जो होता है ठीक है कार्बन जो होता है वो क्या होता है कार्बन होता है सॉलिड है ना उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई ओ टू क्या होती है गैस ये क्या बनाएंगे सर सी ओ टू गैस वेरी गुड वैसे हाइड्रोजन भी क्या होती है एक गैस है ना ऑक्सीजन क्या होती है सर गैस है ना पूरे समझ रहा हूं पूरी अभिक्रिया को एक समीकरण से बता रहे हैं एक रासायनिक सूत्रों के समीकरण से बता रहे हैं और उसको मैं बोलता हूं क्या बोलता हूं वो है हमारा क्या देखो शुरू में ये गैस होता है ना भाप बन जाता है फिर बाद में क्या हो जाता है लिक्विड क्या हो जाता है लिक्विड है ना जब इसको तुम ठंडा कर दोगे H2O को तो वो क्या हो जाएगा लिक्विड क्या हो जाएगा लिक्विड ठीक है हां तो ये क्या बन गया देखो बन गया ना हाँ, तो ये जो होगा है ना हाइड्रोजन का तुमने जलाया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो क्या हुआ चीज बनी ना? और देखो, मैं एक से उसे व्यक्त कर रहा हूं तो हाँ, मतलब रासायनिक तो समीकरण क्या बोलूंगा रासायनिक समीकरण अच्छा अब अगला मे को बताना है अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से किस में प्रारंभिक प्रारंभिक पदार्थ की पहचान अपरिवर्तित रहती है प्रारंभिक पदार्थ की पहचान अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहती है समझ रहा। मतलब भाई कोई नई चीज नहीं बनी जैसा था वैसे ही रहा जैसा था वैसे ही रहा मतलब प्रारंभिक पदार्थ जैसा था वैसे ही रहा अपरिवर्तित रही तो उसको हमें बताना है तो देखो अपरिवर्तित किसमें होता है किसमें नई चीज नहीं बनती भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसमें बताओ कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा देखो देख लिया हाँ कौन सा भौतिक परिवर्तन होने वाला है तो देख लेते हैं पर कोई नई चीज नहीं बने देखो दूध से दही बनना तो नई चीज बन जाएगी तो यह कौन सा परिवर्तन हो गया रासायनिक कौन सा हो गया है ना अच्छा अंगूर का किनवन देखो किनवन भी एक रासायनिक अविक्रिया क्या है रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर भी नई चीज बनती है एज अल्कोहल तुम देखते हो तो ये क्या हो जाएगा भाई ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ठीक है हाँ भाई ठीक है भोजन का पाचन ये भी रासायनिक है क्या है रासायनिक ठीक है जटिल अणुओं को ना सरल अणुओं में तोड़ा जाता है खाते हो ना खाना तो जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या करा जाता है तोड़ा जाता है जटिल जो होते ना

तुम का ऑक्सीजन लेते हो इनहेल करते हो ऑक्सीजन का यूज होता है श्वसन में और कौन सी गैस निकलती है सर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो कोई नई चीज बनी ना हाँ और जहां नई चीज बन गई जहां नई चीज बन गई वो कौन सा परिवर्तन होगा वो होगा सर रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे बच्चे अच्छा से, सेकंड वाला ऑप्शन बी देखो कौन सा ऑप्शन देखते हैं सर सर देखते हैं हम ऑप्शन बी यहां अच्छा बी ऑप्शन में क्या होगा यहां पर क्या होता है बेटा क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है एक क्रिस्टल का निर्माण होता है तो ये कौन सा परिवर्तन होता है भौतिक क्लास में तुमने क्रिस्टल है ना भौतिक परिवर्तन होता है क्रिस्टलीकरण सुना होगा समझ रहे हो जब अपन मिक्सचर के है ना कंपोनेंट्स को सेपरेट करते थे मिश्रण के जो अवयव थे उनको क्या करते थे अलग अलग करते थे क्या करते थे अलग अलग करते थे समझ रहे हो ना तो ये कौन सा प्रक्रिया हो जाती है भौतिक प्रक्रिया या भौतिक परिवर्तन है ना क्रिस्टलाइन की प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टल का निर्माण होना कौ तो हो। कौन सा हो। परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन होगा कौन सा होगा भौतिक परिवर्तन चलो भाई हाँ अब हम एक चीज और समझते हैं ना भौतिक परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या हुआ नेक्स्ट है ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा है लेकिन मैं तुम्हें उससे पहले कोई चीज बताने वाला हूँ क्या लिखाने वाला हूँ कोई चीज बताने वाला हूँ देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने तुम्हें रासायनिक समीकरण के बारे में बताया किसके बारे में बताया रासायनिक समीकरण के बारे में बताया वो क्या था जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार तथा उत्पादों को समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उस समय क्या कहता था रासायनिक समीकरण क्या बोलता था रासायनिक समीकरण तो बस यही है ये भी तो क्या है सर ये भी तो एक रासायनिक समीकरण क्या है एक रासायनिक समीकरण अब रासायनिक समीकरण तुम्हें क्या क्या बताता है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या करने वाला हूं डिस्कस करने वाला हूं देखो मेरे प्यारे बच्चों देखो तुम्हारे पास एक नींबू है क्या है एक नींबू और तुम्हें बनाना है नींबू पानी क्या बनाना है नींबू पानी अब तुम्हारे पास एक एक नींबू है और पाँच हजार लीटर पानी है कितना लीटर पानी है पाँच हजार लीटर पानी है और तुम्हारे पास पाँच क्विंटल शुगर है क्या शक्कर है बताओ नींबू पानी कितना बना पाओगे सर एक नींबू के हिसाब से जितना बनेगा उतना बना पाएंगे बाकी अदर चीजें कितनी ज़्यादा मुझे कोई पता नहीं तो समझ रहे हो ना कि भाई जितना है ना जितना अभिकारक जितना अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी के हिसाब से उत्पाद बनता है जितना अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी के हिसाब से उत्पाद बनता है तो जो पदार्थ की मात्रा है ना जो रासायनिक तो अभिक्रिया में भाग ले रही है उस पदार्थ की मात्रा को मैं किस के फॉर्म में मतलब किस रूप में मैं उसको व्यक्त करता हूं उसको व्यक्त करता हूं मोल के रूप में किसके रूप में मोल के रूप में और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये जो होते हैं ये मोल बताते हैं क्या बताता है मोल बताता है ना पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है मोल होती है तो वो समझ गया सर अच्छा सर और यहां पर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो होता है यहां पर अवस्था बताई जाती है कौन सी अवस्था बताई जाती है कि किस अवस्था में किस स्थिति में है ना कौन कौन सी अवस्था में वो है भौतिक स्थिति बताता है ठीक है हाँ भाई कौन सी भौतिक स्थिति में ये भी क्या है 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 भौतिक स्थिति बताता द्रव है गैस है किस स्थिति में वो मुझे पता होना चाहिए देखो ये भी होगा ठीक है भौतिक स्थिति भौतिक स्थिति ये भी क्या है स्थिति हां ठीक है भौतिक स्थिति और ये भी दिखा हुआ है अच्छा यहां पर जो एरो होता है ना ये जो तीर का निशान है जो तीर का निशान है इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं अभिक्रिया की स्थिति क्या लिखते हैं यहां जाएगा अभिक्रिया की ये जो है ना अभिक्रिया की स्थिति ठीक है जो वाय दिया हुआ है जो वाय दिया हुआ है ठीक है हाँ और और भाई सर बताइए और बच्चे अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन के आंसर देखते हैं चलो पहला क्या बोलता है एक्स गैस है नहीं एक्स जो है वो मेरे प्यारे बच्चे एक लवण है और लवण क्या होता है ठोस होता है अगर पानी में तुम तो तो उसे घोल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा जली हो जाएगा गैस तो नहीं सकता कैसा हो जाएगा गैस तो हो ही नहीं सकता तो ये कैसा होता है ठोस तो ऑप्शन ए तो कर दे कर दिया तुमने चलो बी में उसने बोल दिया ठोस है क्या है ठोस मतलब ये दोनों क्या है ठोस है मान लिया ये दोनों लवण है ना ये दोनों क्या है लवण ठीक है ये ठोस है बताओ भाई क्या ठोस है चलो मान लिया वाय तरल है नहीं यहां पर बेटा अभिक्रिया स्थिति में क्या लिखा जाता है कि भाई तुम ताप क्या दे रहे हो गर्म करते हैं यहां पर वाय मतलब क्या हो रहा है गर्म करना इसको गर्म करा जाता है और ये टूट जाता है दो भागों में कौन कौन से में के में और ऑक्सीजन में तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है गर्म किया जा रहा है तो क्या तुम वो तरल है वाय क्या नहीं ये भौतिक अवस्था तो है नहीं ये गलत हो गया तो ऑप्शन बी भी, भी गलत हो गया सी देखते हैं एक्स कैसीएल थ्री की मोलों की संख्या मोलों की संख्या भाई साहब सामने लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों को बताया वे विकुफ नहीं बना सकते ये हमें तो चलो भाई ऑप्शन सी भी गलत हो गया अच्छा ऑप्शन डी देखते हैं एक्स केसीएल थ्री और केसीएल की भौतिक स्थिति बता रहा है बिल्कुल बता रहा है बिल्कुल बता रहा है वाई क्या अभिक्रिया स्थिति बता रहा है हाँ बता रहा है हम गर्म कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं यहां पर क्या लिखा जाता है क्या तुम गर्म कर रहे हो किस दाब पर अभिक्रिया हो रही है मतलब अभिक्रिया की स्थिति बताता है अभिक्रिया की स्थिति बताता है मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होने वाला है ऑप्शन डी क्या होने वाला है करेक्ट होने वाला है बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों को आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को तो आ रहा है हाँ जैसे एक बात और याद रखो कि जैसे केसीएलो थ्री है क्या है के सी एल ओ थ्री है मैं तुम्हें दिखाता हूं केसीएलओ थ्री है देखो ठीक है के सी एल ओ थ्री है ना के सी एल ओ थ्री है इसको मैं बोलता हूं पोटेशियम क्लोरेट क्या बोलता हूं पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट क्या बोलता हूँ पोटेशियम क्लोरेट ठीक है KCL जो है वो हमारा क्या है पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम ठीक है क्लोराइड बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है भाई हाँ और दोनों क्या है लवण है दोनों क्या है लवण है ये पता हो तुम्हें तो होना चाहिए ये पता तुम्हें तो होना चाहिए क्या होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है ये देख लिया हमने ये प्रश्न भी देख लिया सर हमने रासायनिक समीकरण को भी समझ लिया रासायनिक समीकरण को भी समझ लिया बहुत अच्छे बच्चे नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्या बोल रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता चलिए सर देख लेते हैं तो भाई मेरे प्यारे बच्चों को बताते हैं देखो इसे सोडियम के बारे में बताया था ना क्रियाशील धातु मैग्नीशियम भी बहुत क्रियाशील धातु मैग्नीशियम भी बहुत क्रियाशील धातु अच्छा तो सर इससे मैं क्या करूं देखो सुनो उसको वायु में जलाने से पहले क्यों साफ करते हैं जैसे कि मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है 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 ना वायु में क्या उपस्थित ऑक्सीजन क्या मैग्नीशियम वायु के साथ अभिक्रिया कर, कर सकता है वो क्या करेगा देखो वो ये करेगा कि जो मैग्नीशियम है वो वायु के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा इसका ऑक्साइड बनाएगा जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो अभिक्रिया लिख रहा हूं अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखो क्या होता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित का मतलब मैं बताता हूं कि भाई जितना अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही उत्पाद बनेगा जितना अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही उत्पाद बनेगा कोई ज्यादा एकदम से प्रकट थोड़ी हो जाएगा या कोई चीज नष्ट थोड़ी हो जाएगी भाई जितना तुम इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा और यही बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद बनता है समझ तो रहे हो जितना अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेता है उतना ही उत्पाद बनता है है तो ये हमेशा है ना संतुलित होना चाहिए मतलब जितने परमाणु यहां पर हैं उतने ही परमाणु यहां होना चाहिए तो चलो देख लेते हैं यहां मैग्नीशियम कितने मेरे प्यारे बच्चों सर एक यहां पर कितने हैं भाई साहब एक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन कितने है? सर दो यहां कितने हैं एक तो हमें क्या करना पड़ेगा दो से मल्टीप्लाई दो से गुणा करना पड़ेगा अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने होगा सर होगा दो यहां कितने सर दो अब बताओ मैग्नीशियम कितने है? दो यहां पर कितने एक तो हम क्या कर लेंगे टू से मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो ये एक मैंने रासायनिक समीकरण लिख दिया एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिया बहुत बढ़िया मजा आ गया अब क्या करूं सुनो अब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको साफ क्यों किया जाता है वो मैं तुम्हें सोकर से ना दिनाता हूँ ठीक है ये देख लो ये होती है बेटा एक मैग्नीशियम की मैंने रिबन ले ली क्या ले ली एक रिबन अब तुम तो मुझे ये बताओ ये मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु है बहुत क्रियाशील धातु है तो ये क्या करेगा ये भाई साहब ये मैग्नीशियम जो है ये वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करेगा क्या करेगा अभिक्रिया करेगा क्योंकि ये पार्ट तो कॉन्टेक्ट में है ना ऊपर वाला जो परत है जो परत है वो तो हवा के कांटेक्ट में है ना वो तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है ना तो यहां पर क्या होगा वो अभिक्रिया करेगा क्या करेगा अभिक्रिया और क्या बना लेगा वो बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत इसकी परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत अब बताओ जब तुम रिबन लेकर आओगे क्या लेकर आओगे रिबन लेकर आओगे और तुम जलाने जाओगे तो सोचो इसकी जो परत है ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसकी जो परत है वो क्या हो चुकी है पहले से ही भाई जल चुकी है पहले से ही ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है तो क्या जलने में कठिनाई होगी क्या जलने में कठिनाई होगी हाँ तो क्या मुझे इसे हटा देना चाहिए हाँ तो मैं तुरंत जाऊंगा मार्केट और वहां से लेकर आऊंगा क्या रेगमाल सैंड पेपर उसको साफ कर दूंगा क्या कर दूंगा साफ कर दूंगा तो जिससे क्या होगा सर इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत थी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत थी वो क्या हो जाएगी हट जाएगी और अब मैं आसानी से आसानी से उस मैग्नीशियम की रिबन को जला सकूंगा उस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर सकूंगा जला सकूंगा तो ये बेटा एक पॉइंट था अब जब तुम जलाते हो तो वो कैसे जलता है वो तुम्हें हमेशा याद रखना है देखो हमेशा याद रखना जो मैग्नीशियम होता है इसका जो रंग होता है वो चमकदार श्वेत होता है क्या होता है चमकदार श्वेत वो भी कैसा चांदी के समान किसके समान? चांदी के समान। सोना नहीं भाई चांदी के समान हाँ चांदी के समान तुम सो जाओ नहीं तो ठीक है हम्म और एक बात हमेशा याद रखना चांदी के समान श्वेत होता है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हम जलाते हो ना जैसे ये जला रहा है नदी ये जल रहा है ना ये जला रहा है देखो चिमटे से पकड़ के जलाते हैं किससे पकड़ के जलाते हैं चिमटे से तो ये जो चिमटे से जला रहे हैं ना जैसे ही चिमटे से जला पाउडर गिर रहा है क्या रहा है? एक गिर रहा है पाउडर पाउडर गिर गिर रहा रहा है है एक और ये जो पाउडर गिर रहा है ना ये किसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का है किसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया किसका है मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का है सर ये जो पाउडर गिर रहा है किसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का है ठीक है अब सुनो ये पाउडर गया ये कैसा होता है ये होता है सर सफेद चूर्ण कौन सा होता है सफेद चूर्ण और सफेद चूर्ण किसका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का किसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और ये किस किस लॉ के साथ जड़ता है तो ये बोल देते हैं अपन चमकदार श्वेत लॉ के साथ ये जलता है श्वेत लो के साथ के साथ है ना, ना सो के साथ ये जलता है ये जलता है जलता है बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों चमकदार श्वेत लो के साथ ये जलता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये जलता है मेरे प्यारे बच्चों तो चलिए भाई अब हम प्रॉपर आंसर देख लेते हैं सर क्या बताने वाले हो तो मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है बहुत ही क्या है क्रियाशील धातु है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके है ना वायु के साथ अभिक्रिया करके चारों और मैग्नीशियम ऑक्साइड किसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है और वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि वो लेयर को हम हटा सके उस परत को हटा सके ठीक है और वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे किसके संपर्क में रहे वायु के संपर्क में रहे बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे सीख गए चलो भाई अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे साथ शेयर करता हूं एक रासायनिक समीकरण आपको रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक जो होता है ना उनकी भौतिक स्थिति बताता है कौन कौन सी भौतिक स्थिति भाई ठोस है द्रव है गैस है या जल में घुला हुआ है कौन सी भौतिक स्थिति है वो एक रासायनिक समीकरण तो हमें बताता है समझ तो रहे हो ना जैसे मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है सॉलिड होता है ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है गैस होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो चूर्ण बना वो भी कैसा होगा सॉलिड होगा भौतिक स्थिति बताता है और क्या बताता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण सदैव हमेशा ऑलवेज है ना हा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है उसका पालन करता है उसको फॉलो करता है मतलब जितना अभिकारक उतना उत्पाद ना कम ना ज्यादा ना ही द्रव्यमान नष्ट हुआ द्रव्य नष्ट हुआ और ना ही क्या हुआ उत्पन्न उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है यही पढ़ा था ना नाइन्थ क्लास में द्रव्य मान संरक्षण का नियम द्रव्य को कहा ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है रूपांतरण होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत प्यारे बच्चों मेरे को बच्चों को आने लगा बहुत सही बहुत सही चलो भाई हाहा हाहा हा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जो है यह अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर है किसके ऊपर मतलब बेस्ड है अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर है ना मोस्ट इंपोर्टेंट निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई गई अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए वी हैव टू टेल द टाइप्स ऑफ है ना हमें बताना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती है चलिए मेरे प्यारे बच्चों को सिखाते हैं पहले अभिक्रिया के प्रकार पढ़ के आते हैं फिर यहां पर आएंगे भाई बिना पढ़े थोड़ी आंसर दे देंगे तुक्का नहीं लगाना है है ना तो लगाने पहुंच जाओ तुम लोग चलो पहला पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया देखो सुनू. देखो सुनो दो अभिकारक आपस में करें या दो से अधिक अभिक्रिया अभिकारक आपस में अभिक्रिया करें अभिकारक क्या होते हैं पता है ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं अब वो दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और एक अल उत्पाद बनाए कितना बनाए एकल उत्पाद सो जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं किसका एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कौन सी अभिक्रिया कहते हैं संयोजन अभिक्रिया चलो देखते हैं जैसे अभी हमने कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड क्या है कैल्शियम ऑक्साइड इसकी अभिक्रिया करवा दो किसके साथ जल के साथ एच टू ओ के साथ तो देखो क्या बनेगा ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मैं लिख देता हूं कैल्शियम ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है हां भाई कैल्शियम ऑक्साइड है ये ये क्या है सर जल और ये बना कैल्शियम कैल्शियम क्या हाँ बना भाई हाइड्रोक्साइड बोलते रहो हाइड्रोक्साइड नहीं तो जोर से बोलो तुम तो बोलोगे जय माता दी बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे ठीक है हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं किसका निर्माण कर रहे हैं एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं वही क्या है हमारी संयोजन अभिक्रिया क्या है संयोजन अभिक्रिया एक और सुनो मान लो तुम्हारे पास क्या होता है भाई कार्बन है कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया सीओ टू बना रहा है वो भी क्या है भाई संयोजन अभिक्रिया है क्या है संयोजन अभिक्रिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं जल का निर्माण कर रहे हैं क्या है संयोजन अभिक्रिया तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ठीक है जहां पर एक उत्पाद बन रहा हो एग्जाम्पल तो तुम कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है अभिक्रिया का टाइप पता होना चाहिए यहाँ पर देख रहे हो ये एक ए है ये एक बी है और ये एक सी का निर्माण कर रहे हैं जो सी क्या है एक है सिर्फ एक है समझे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों को आने लगा तो संयोजन अभिक्रिया समझे ठीक है हाँ तो चलो देखते हैं भाई हाँ, दूसरा अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया है मेरी वियोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है क्या चल चल रहा रहा है है नाम से ही पता वियोजन डिकम्पोजिशन या फिर बोल सकते हो क्या बोल सकती हो अपघटन क्या बोल सकते हो अपघटन इसका एक और नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा अपघटन होगा क्या होगा अपघटन तो मैं लिख देता हूं अपघटन ठीक है क्या बोलूंगा अपघटन ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं तो एक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक भाई वियोजन का मतलब क्या होगा एक टूटेगा पेन नहीं टूं मुझे एक टूटेगा और दो नए नए पदार्थ या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या बोल सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी ये कौन सी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया तो चलिए भाई देख लेते हैं उदाहरण बताओ सर उदाहरण बताओ चलो भाई मान लो तुम्हारे पास क्या था तुम्हारे पास था एम जी थ्री अच्छा एम जी मतलब होता है मैग्नीशियम क्या होता है मैग्नीशियम ठीक है और एक होता है मैग्नीशियम और सीओ थ्री का मतलब होता है कार्बोनेट क्या होता है कार्बोनेट इसको क्या कर दो गर्म कर दो है ना इसको क्या कर दो गर्म कर दो अच्छा गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा है ना दिल की बात कर दी आपने तोड़ दिया कंपाउंड को तोड़ा है है ना तुम लग क्या क्या सोच लो नहीं तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम ठीक है हाँ ऑक्साइड हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ क्या बन रही है भाई यहां पर बनी है कार्बन डाय ऑक्साइड कार्बन डाय ऑक्साइड समझे तो देखा ना एकल है ना टूट रहा है क्या हो रहा है टूट रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया भाई ये हो गया वियोजन का उदाहरण किसका हो गया वियोजन का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों को आने लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा अब सुनो अब सुनना अब क्या होता है वियोजन अभिक्रिया के भी कुछ प्रकार होते क्या होता है वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते है ना वो प्रकार में तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ठीक है जैसे कि देखो वियोजन वियोजन है में तुम क्या कर रहे हो हीट सप्लाई कर रहे हो कौन सी सप्लाई कर रहे हो हीट सप्लाई कर रहे हो और जहां पर भी हीट है ना सप्लाई करो मतलब ऊष्मा को तुम दो उस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है भाई ऊष्मा ली जाती है और जहां पर ऊष्मा ली जाती है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा को शोषण होता है मतलब ली जाती है वहां पर ठीक है हाँ भाई अब यहां पर जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें क्या होगा भाई वियोजन अभिक्रिया में तुम ऊष्मा दे रहे हो क्या कर रहे हो ऊष्मा सप्लाई कर रहे हो ऊष्मा दे रहे हैं दे रहे हैं ठीक है ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने तुम लोग लिख दो ऐसा ठीक है मतलब ऐसे ही बताने के लिए कि ऊष्मा दे रहे हैं अब ऊष्मा तुम तीन तरीके से दे सकते हो पहला क्या कर दो धूप में रख दो तो प्रकाश दे दो क्या दे दो प्रकाश मतलब ऊर्जा दे रहे हैं क्या दे रहे हैं ऊर्जा दे रहे हैं प्रकाश ऊर्जा कौन सी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा प्रकाश के रूप में ऊर्जा दे रहे हो दूसरा किस रूप में दे रहे हो ऊष्मा के रूप में और तीसरा किस रूप में दे रहे हो विद्युत रूप में विद्युत देखो एक जगह तुम दे रहे हो लाइट दूसरी जगह दे रहे हो क्या ऊष्मा और तीसरी जगह क्या दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्या दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चलो भाई देखते हैं अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से होने वाले चलो प्रकाश वाला देखते हैं जैसे कि तुम्हारे पास हो एजीसीएल क्या हो एजीसीएल जैसे ही तुम इसको प्रकाश देते हो ना क्या देते हो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश प्रकाश मतलब लाइट है ना नहीं तो कोई प्रकाश तुम समझ बैठो तो यहाँ पर क्या बनता है एजी और सीएल निकलता है सीएल सीएल टू के फॉर्म में निकलता है तो मेरे को टू यहां लेना पड़ेगा टू यहाँ संतुलित करने के लिए क्या लेने के लिए संतुलित करने के लिए ठीक है बहुत ईजी है यहाँ पर काउंट करो और इस तरीके से तुम देख सकते हो बाकी लेक्चर के लास्ट में हम सारी अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे ना वहां पर घबराना है नहीं है अपने को यहां घबराने की जरूरत नहीं है अभी याद नहीं करना तुम लोगों को बस चीजें समझती चलने क्या करते चलना है समझते चलना है वो अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए ये एक मिनट में करोगे पंद्रह सेकंड पंद्रह सेकंड के अंदर हर रासायनिक समीकरण को तुम क्या करोगे सॉल्व करोगे बस देखते चलो ये क्या होगा टू ए है ना ये क्या होता है हमारा सर होता है सिल्वर क्या होता है सिल्वर क्लोराइड क्या होता है सिल्वर क्लोराइड ये बन गया सिल्वर क्या बन गया सिल्वर रजत और यह हो गया क्लोरीन क्या हो गया क्लोरीन क्या हो गया क्लोरीन बहुत बढ़िया क्या बन गया क्लोरीन वैसे ही यहां देखो अगर मैं ले लेता ले बेटा ए जी बी आर क्या ले लेता ए जी बी आर ठीक है हाँ इसको अपन कलर चेंज करते हैं इसका क्या बना लेते अपन अपन ले लेते एजीबीआर भैया यहां ले लिया आपने ए जी बी आर ए जी बी आर को फिर प्रकाश दे दिया क्या दे दिया प्रकाश दे दिया क्या बन जाएगा सर टू ए जी प्लस बी आर टू क्या बन जाएगा टू ए जी प्लस बी आर टू इसको मैं बोलता हूं सिल्वर ब्रोमाइड क्या बोलता हूं सिल्वर ब्रोमाइड चलो लिख देते हैं इसको इसको क्या बोलेंगे सर AG मतलब सिल्वर और ब्रोमीन मतलब ब्रोमाइड तो ये हो गया सिल्वर सिल्वर है ना क्या हो गया सिल्वर ब्रोमाइड ठीक है हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो सिल्वर ब्रोमाइड हाँ ठीक है हाँ और यहां पर इसको जैसे ही तुमने गर्म किया क्या बना सिल्वर बना और ये बना ब्रोमीन क्या बना ब्रोमीन वेरी गुड ब्रो आया तुम लोगों को हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन ऐसा कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट जो टाइप हो गया वो अपना क्या होगा दूसरा जो टाइप है वो क्या है वो है सर किसकी उपस्थिति ऊष्मा की किसकी ऊष्मा की तो ऊष्मा में देखोगे इसको अपन बोलते हैं ना वो जो अपन तापीय विघटन कर रहे हो है ना एग्जाम्पल के लिए ले लो सी एस क्या ले लो सी ए इसको गर्म कर दो क्या बन जाएगा बन जाएगा सीए ना क्या बन जाएगा सीएओ प्लस सीओ क्या बन जाएगा सीएओ प्लस सीओ तो यहां पर भी तुमने क्या किया गर्म किया क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है कार्बोनेट सीओ थ्री है ना क्या हो गया कार्बोनेट ये उसी के जैसा ही तो है मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा था ये क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड वो कौन सा था मैग्नीशियम ऑक्साइड था याद है हाँ बच्चों ध्यान रखना यही कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है हाँ और यहां पर क्या हो जाएगा सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा कौन सा था विद्युत मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके हम क्या करने वाले हैं क्या, है? क्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चों इसको वियोजित करने वाले उदाहरण के लिए देख लो उदाहरण में क्या क्या जाएंगे कि भाई तुमने जल लिया जल में जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी दी क्या दी इलेक्ट्रिसिटी दी विद्युत दी क्या बन जाएगा एच टू प्लस ओ टू अच्छा यहाँ पर देखो आप काउंट कर लेते हैं बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं दो यहाँ कितना एक दो से मल्टीप्लाई कर दूँ अब दो ऑक्सीजन हो गए अब देखो यहाँ दो ऑक्सीजन यहाँ दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ दो यहाँ चार है तो अपन दो से कर दो अभी देखो ना अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं सर दो अब कितने हो गए चार अब दो अब चार ऐसे याद रखना ठीक है तो ऐसे ही तुम लोगों को है ना बैलेंस करना भी आना चाहिए ये क्या था हमारा जल ये क्या था हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन ठीक है हाँ बच्चों ये क्या है ऑक्सीजन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये तीनों टाइप्स की रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम लोगों को बतना चाहिए ठीक है भाई अगली जो अभिक्रिया है अगली जो अभिक्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों ये तुम लोगों को आना चाहिए चलो देखते हैं इसके बारे में क्या है भाई अभिक्रिया ये विस्थापन अभिक्रिया तो यहां पर क्या होता है सुनो यहां पर क्या होता है कि एक है बहुत ताकतवर है ना बड़ा बल्लम है भाई ठीक है बहुत ताकतवर है और तो एक है बेचारा कमजोर तो बल्लम वाला जो है ना जो बहुत ताकतवर है बहुत पावरफुल है उठा के फेंकने वाला है वो है ना कमजोर वाले को उठा के फेंक देता है क्या कर देता है उठा के फेंक देता है मतलब यहां पर क्या होगा और फेंकेगा भी कहां से ना उसी के भाई उसी के घर से उठा के फेंकेगा क्रियाशील तत्व होगा जो कम क्रियाशील उसी के जलीय विलयन से या उसी के विलयन से क्या कर देगा विस्थापित कर, कर, कर देगा क्या कर देगा विस्थापित कर देगा चलो देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है उस अभिक्रिया को विस्थापन, विस्थापन तो देख देखो मेरे पास क्या है जैसे कि मेरे पास प्यार बच्चों है जिंक क्या है जिंक और जिंक एक धातु है क्या है एक धातु है ठीक है अब ठोस अवस्था है जिंक इसको मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में किसमें कॉपर सल्फेट के विलियन में ठीक है जो कैसा है जलीय है तो अपन एक यू लिखते हैं जलीय है किसके लिए लिखते हैं ठोस के लिए सॉलिड जलीय मतलब जल में घुला हुआ जल में घुला हुआ तो एक यू, एक कौस, मतलब जल अगर तुम्हें सॉलिड लेना हो तो एस लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी क्या लिखते हैं जी तो यहां पर क्या हुआ बच्चों ये जिंक जो है ये अधिक पावरफुल है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाल दिया इसमें डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया तो ये क्या करेगा भाई साहब ये कुछ ना करेगा ये बहुत खराब चीज करने वाला है ये जिंक जो है इस कॉपर को उठा के फेंकने वाला है ये जिंक जो है इस कॉपर को उठा के फेंकने वाला है और क्या बनाने वाला है खुद ZnSO4 और कॉपर भैया बेचारा निकल गया दुबक्कर ऐसे और निकलकर अलग हो गया कॉपर अलग हो गया मतलब एक क्रियाशीलता तुम्हें दूसरे क्रियाशील तत्व को एक क्रियाशील तत्व ने दूसरे क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया और ये जो तत्व ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना जिंक सल्फेट ये जो यौगिक बना वो क्या बना जिंक सल्फेट कापर भैया अलग हो गए कापर भैया अलग हो गए समझ रहे हो ना तो भाई अच्छा सर ये सब तो ठीक है ये तो मुझे आ गया ये सब तो ठीक है कि एक मोर पावरफुल तत्व जो है एक ज्यादा पावरफुल ज्यादा क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर रहा है ये तो मुझे आ गया पर सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम, कम कम क्रियाशील कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील तो इसका भी है ना इसके लिए तुम्हें एक श्रेणी याद रखनी होती है क्या होती है श्रेणी और बढ़िया ट्रिक से के साथ हम बच्चे याद करने वाले हैं उसे तो चलो अब हम याद करते हैं अब हम याद करते हैं क्रियाशीलता श्रेणी क्रियाशीलता श्रेणी जो मुझे ये बताती है जो मुझे ये बताती है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील तो चलिए देखते हैं तो इसके लिए याद रखना है देखो एक लाख नाइन का काना का मग क्या बोलोगे काना का मग काना मतलब के मतलब पोटेशियम ना मतलब सोडियम का मतलब कैल्शियम काना का मग काना का मग पर क्या बोलोगे अल जनफी क्या बोलोगे अल जनफी अल जनफी प्रभु क्या बोलोगे अल जनफी प्रभु है क्यों है क्यों काना का मग अल जनफी प्रभु है क्यों समझ रहे हो काना का मग अल जनफी प्रभु है क्यों फिर क्या बोलोगे एच जी ए जी और फिर क्या बोलोगे ए यू एच जी एजी और एयू समझ आ रहा है काना का मग अल जनफी प्रभु है क्यों? एच जी एजी एयू ठीक है काना का मतलब के मतलब पोटेशियम ना मतलब सोडियम का मतलब कैल्शियम मग मतलब मैग्नीशियम काना का मग अल जनफी मेरे साथ बोलो अल जनफी अल मतलब एल्यूमिनियम जन मतलब, मतलब आयरन समझ तो रहे हो ना प्रभु प्रभु मतलब लेड पी बी, है क्यों हाइड्रोजन कॉपर पी यू मतलब कॉपर है क्यों एच जी मारकरी एजी सिल्वार ए यू गोल्ड सोना और सोना तुम लोगों को बहुत पसंद है ना हाँ भाई सोना तुम्हें बहुत पसंद है समझ तो रहे हो ना सर हमें ये वाला सोना नहीं पता हमें तो सोना पसंद है बस कॉपी पुस्तक बंद करके और हमें सोना पसंद है है ना बेटा सो मत जाना लेक्चर देखते हुए नहीं तो सपनों में आके पढ़ाऊंगा मैं चलो यहाँ देखो हाँ तो भाई अगला जो है अगला जो अभिक्रिया का टाइप है है ना अगला जो अभिक्रिया का टाइप है वो क्या होने वाला है दुविस्थापन अभिक्रिया क्या होने वाली है द्विविस्थापन अभिक्रिया ठीक है तो चलो देखते हैं कौन सी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया

हाँ, वो सिखाने वाला हूँ टेंशन ना लो ठीक है सब चीज़ें यहीं पर होगी कवर टेंशन ना लो ऐसा नहीं है कि नाइन्थ क्लास में तुमने पढ़ कर नहीं आया तो या नहीं पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा मैं टेंशन ना लो तो उसमें क्या होता है जैसे कि यहां पर दुव्यस्थापन में क्या होता था तुमने आयनिक यौगिकों को देखा था कैसे यौगिकों को देखा था आयनिक यौगिकों को देखा था आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि जब दो आयनिक यौगिक ले लो आयनिक यौगिक मतलब जो आयनों से बने हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया एन एच क्या ले लिया और इसके साथ ले लिया मैंने HCl यहां पर क्या होगा एनए पर प्लस ओ पर माइनस ऐसे ही जो आयन बना सकते आयन बना सकते है. है? आयन बना सकते हैं तो इनके बीच में क्या होगा आयनों का लेन देन होगा लेन देन मतलब तू तेरा प्लस दे दे माइनस देता हूं समझ रहे हो ना फिर दूसरे वाला का जो माइनस है वो पहले वाले का प्लस देगा प्लस के साथ जाएगा तो वैसे ही कुछ होगा कि ये वाला जो प्लस है मेरे प्यारे बच्चों वो इसके माइनस के साथ जाएगा और यह वाला जो माइनस है इसके प्लस के साथ जाएगा समझ पा रहे हो मतलब आयनों लेन देन आयन एक्सचेंज हो रहा है आयन एक्सचेंज हो रहा है और इस तरीके के प्रकार को मैं बोलता हूं आयन एक्सचेंज अभिक्रिया गे कौन सी अभिक्रिया आयन एक्सचेंज अभिक्रिया मतलब बोल सकते हो दुवस्थापन अधिक अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा यहां पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है किसका विनिमय होता है आयनों का विनिमय होता है और एक नया यौगिक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सी विनिमय कौन सी अभिक्रिया वो होती है हमारी द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया तो देखो देखो क्या जा हो जाएगा एन एल मिलकर बना देंगे एन और जो ओ है और जो एच है वो क्या बना देंगे एच टू ओ क्या बना देंगे एच टू ओ देखो ये बेसिकली एक छार होता है आगे अपन पढ़ते हैं ये क्या होता है छार जिसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है और आगे की अभिक्रिया आगे कभी पढ़ते हैं अपन मैं अभी बता देता हूं ये कौन सा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कौन सा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ठीक है तो ये एक अम्ल है भाई और ये जो है वो क्या बना सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड तो जब भी है ना अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में आगे पढ़ने वाले हैं देखो हाँ तो जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है लवण और जल का निर्माण होता है किसका निर्माण होता है लवण और जल का निर्माण होता है हाँ भाई लवण और किसका निर्माण होता है भाई लवण और जल का निर्माण होता है यह हमारा जल है तो देखो है ना जितनी भी है भाई ये भी एक आयन एक्सचेंज है एक ये विस्थापन अभिक्रिया है या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है आयनों का विनिमय हो रहा है एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ और दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ समझ रहे हो ना हाँ तो ऐसे अपने को क्या करना चाहिए इस अभिक्रिया को समझना अब वो प्रश्न का उत्तर देते हैं सर अब हमने जो है सारी अभिक्रियाओं के प्रकार देख चुके हैं तो चलो भाई देखते हैं भाई उनको कहा गई हम्म यहां पर देख सबसे बढ़िया यहां पर ए प्लस बी सी गिव ए सी प्लस बी यहाँ पर क्या हो रहा सर ए ने बी को उठा के फेंका उसकी जगह से और क्या बनाया ए सी और बी बाहर निकल गया बताओ कौन सा टाइप है सर मतलब ए जो है वो ज्यादा पावरफुल है बी से किससे पावरफुल है बी से और मैं बोल देता हूं यह अभिक्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया समझ रहे हो ना ये कौन सी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया ठीक है यहां देखो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं आपस में संयोग कर रहे हैं तो ये अभिक्रिया क्या होगी संयोजन देखो दो मिलकर एक बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं अपन संयोजन ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर देखो पी किसके साथ गया पी गया एस के साथ और क्यूँ गया आर के साथ देखो आयनों का विनिमय हुआ होगा तो ये कौन सी अभिक्रिया है द्विविस्थापन कौन सी अभिक्रिया है द्विविस्थापन हो ठीक है और यहां पर देखो ए ने किसको उठा के फेंका भाई बी ने किसको उठा के फेंका एक को किसको उठा के फेंका एक को तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो गई कौन सी अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया चलो भाई हमने देख लिया अभिक्रियाओं के प्रकार ठीक है हाँ तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये इसको में लिख लो विस्थापन क्या लिख लो विस्थापन तो अभिक्रिया के प्रकार तुम्हें लिखना है बेटा है ना व्यवस्थित तरीके से वो तुम लोगों को आना चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चे तो बिल्कुल करके आएंगे बहुत प्यारे तरीके से ठीक है और इसके बाद तुम्हें क्या मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रैक्टिस शीट है ना तो प्रैक्टिस शीट को पूरा तुम्हें करना है अच्छे से सॉल्व करना है और वही प्रैक्टिस सीट भी बहुत और इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर बहुत अगड़े मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा टेंशन ना लो

तो ये क्या हो जाएगा जब अपन योगिक लिखते थे नाइन्थ क्लास में तुम्हें याद होगा तो ये टू यहां आ जाएगा वन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा सोडियम क्लो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या जाएगा वो हो जाएगा एन ए टू एस एफ ओर क्या हो जाएगा एन ए टू एस एफोर वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम किसका लिखते थे बैरियम सल्फेट का भी लिखते थे तो जो बैरियम होता है उसके ऊपर प्लस टू होता था कितना होता था प्लस टू लेक्चर के लास्ट में है ना ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखना है वो सब हम कवर करने वाले हैं तो ठीक है घबराना नहीं है बस देखते चलो और एसो फोर के ऊपर क्या होता था माइनस टू ठीक है तो ये दोनों हो जाते थे तो इसको कैसे लिख देते थे क्लास याद, तो? तो याद है है, अच्छा, दोनों अभी क्रिया करते हैं तो देखो अच्छा बैरियम क्लोराइड, क्लोराइड बोला है सॉरी बैरियम क्लोराइड बोला है सीएल के ऊपर क्या होता था बी ए के ऊपर प्लस टू है और सीएल पर है एक सीएल के ऊपर क्या होता है माइनस वन तो ये वन यहाँ आ जाएगा टू यहां जाएगा क्या बन जाएगा बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे बी ए सी एल टू क्या हो जाएगा बी ए सी एल टू ठीक है हाँ। तो मैं लिख देता हूं। BACL2. अच्छा, अब क्या होगा ये दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो देखो पहले वाले का प्लस किसके साथ जाता है दूसरे वाले के माइनस के साथ इस पर माइनस है ना और जो दूसरे दूसरे वाले का प्लस है वो पहले वाले के माइनस के साथ तो ये बन जाता है क्या बी एस ओ फोर क्या बन जाता है बी एस ओ फोर और इसके साथ क्या बनता है बहुत इंपॉर्टेंट ये बैरियम सल्फेट बना और इसके साथ बनता है टू एन सोडियम क्लोराइड क्या बनता है सोडियम क्लोराइड ठीक है तो बी और सोडियम क्लोराइड ये जो है हमारा है वो क्या है सोडियम सल्फेट है. क्या है सोडियम सोडियम सल्फेट ठीक है ये जो है हमारा है वो बैरियम क्लोराइड क्या है सॉरी बैरियम बैरियम क्लोराइड ठीक है हाँ भाई और ये जो है हमारा वो क्या है बैरियम सल्फेट क्या है बैरियम सल्फेट ठीक है भाई बैरियम सल्फेट और ये जो है वो हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड क्या है सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छे अच्छा यहां मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया हुई अब तो मैं बहुत प्यारी बात बताऊं ये जल में घुला होता है तो इसको मैं लिखता हूं एक यू क्या बोलता हूं एक यू ये भी पानी में घुला होता है इसको मैं लिखता हूं एक यू अभिक्रिया होती, होती पदार्थ बन जाता है जो अविलय होता है अविलय मतलब पानी में नहीं घुलेगा ये तीन तो घुले है बी एस सी ये तीनों तो घुल जाएंगे बट बी चीज बन जाती है जो अविलय होती है और क्या होती है ठोस होती है क्या होती है ठोस तो याद करो थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था अवल ठोस का निर्माण होना उस अभिक्रिया को मैं बोलता हूं अवक्षेपण या अवक्षेप क्या बोलता हूं अवक्षेपण या अवक्षेप अवक्षेप तो बेसिकली एक का निर्माण हुआ तो और यह अभिक्रिया अभिक्रिया कौन कौन सी हो कौन सी हो हो गई गई देखते हैं इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है परमाणुओं का आदान प्रदान हो रहा है क्या नहीं भाई यहां पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है भाई याद रखना तो यहां पर क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हुआ था एक ऐसे सॉलिड का निर्माण है ना एक ऐसे अवक्षेप इसको क्या बोलते हैं अपन अवक्षेप तो अवक्षेप क्या होता है यहां पर भाई एक ठोस पदार्थ है, है ना जो जल में नहीं है तो ऐसे पदार्थ का निर्माण यहां पर हो गया मेरे प्यारे बच्चों ठीक है हाँ तो अभी देखो यहां पर परमाणुओं का आदान प्रदान होता है क्या नहीं होता आयनों का आदान प्रदान होता है क्या बिल्कुल होता है वही तो तभी तो दुर्व्यवस्थापन अभिक्रिया अवक्षेप बनता है क्या बना है भाई बी एसओ फोर का बना है किसका बना है बी एसओ फोर का ठीक है एक अगुलनशील लवण का उत्पादन होता है बिल्कुल भाई यही तो बी एस ओफोर है ठोस का निर्माण हो रहा है एक लवण का निर्माण हो रहा है यही तो क्या है बी एस ओफोर तो यही हमारा आंसर हो जाता चलो भाई तो देख लेते इसको ठीक है चलो हाँ। तो कौन कौन से सही है हमारे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सही है तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट होने वाला है ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है चलिए भाई आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है या है ना लेड तो कौन, कौन है, है क्लोराइड बना रहा है तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया होगी ये होगी सर विस्थापन क्यों विस्थापन होगी भाई बताओ क्योंकि सर, जो है, है, वो अधिक पावरफुल है कॉपर से जो लेड है जो पीवी है Osionfish. वो अधिक पावरफुल है कॉपर से तो वो कॉपर को उठा के फेंक देगा कॉपर को उठा के फेंक देगा चलो भाई मान लिया ये कौन सी अभी पढ़कर है ये है कौन सी अभिक्रिया है अपने को क्या बताना बताना है है ही भाई ना कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन है ये देखो ये कौन सी अभिक्रिया यह है संयोजन क्यों संयोजन है देखो खुद सोच खुद सोचो ना बहुत सिंपल है दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं अच्छा यहां पर आयनों का विनिमय नहीं हो रहा क्योंकि आयनों का विनिमय कब होता है जब दोनों पदार्थ आयनिक हो ये कौन से हैं ये संयोजी मतलब लाइक कोवलेंट तो कंपाउंड कौन से कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड ठीक है हाँ संयोजी अगर बात करो कि ये कंपाउंड है ठीक है हाँ तो ये अपने को पता होना चाहिए ठीक क्य। है क्योंकि दोनों अधातु हैं कौन से अधातु है दोनों अधातु हैं ठीक है, दोनों है। तो दोनों अधातु जब आ जाए तो वो कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते कौन से योगिक वो आयनिक नहीं होते ठीक है हाँ दोनों अधातु है तो आयनिक नहीं होते तो बेसिकली ये आयनिक नहीं है इसीलिए इसमें भी नहीं होगा ठीक है ये एक तरीके से कम्बेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है कम्बशन है ना दहन कौन सी अभिक्रिया है दहन जहां पर हम किसी ऑक्सीजन को कार्बन मीथेन को जला रहे हैं किसको जला रहे हैं मीथेन को जला रहे हैं तो बस वही याद रखना था तुम्हें तो बता देते हैं भाई कौन कौन सी अभिक्रिया चलो यहां पर कौन सा जाएगा आंसर केवल दो वाला ही सिर्फ और बाकी कोई सा नहीं है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा था अभिक्रियाएं है अभिक्रियाएं है ठीक है चलो भाई आगे देखते हैं चलो अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है बताया था ना मैंने कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता है किसका निर्माण होता है एक अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं और जो अघुलनशील क्या लिखा था अघुलनशील अघुलनशील है ना बोल सकते हो ठोस जो है अघुलनशील ठोस जो है उसको मैं बोलता हूं अवक्षेप क्या बोलता हूं अवक्षेप चलो एक और एक उदाहरण बताता हूं जैसे कि मेरे पास है एजी क्या है AgNO3 थ्री इसकी तुम अभिक्रिया करवा दो किसके साथ किसके साथ करवा दो इसकी अभिक्रिया करवा दो तुम एनएसएल के साथ किसके साथ करवा दो एनएसएल के साथ तो देखो क्या होगा AgNO3 थ्री को मैं बोलता हूं सिल्वर नाइट्रेट क्या बोलता हूं सिल्वर नाइट्रेट चलो लिख देते हैं क्या बोलते हैं अपन सिल्वर नाइट्रेट चलो देखो सिल्वर नाइट्रेट लिख देते हैं भाई सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट चलो भाई और जो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये है हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है सोडियम क्लोराइड क्या है सोडियम क्लोराइड ठीक है अब इन दोनों के बीच में अभी क्रिया हुई वही एजी पर प्लस एनओ थ्री पे माइनस एन ए पे प्लस सीएल पे माइनस दो विस्थापन है पहले वाले का प्लस आ जाएगा एजीसीएल और दूसरे वाले का माइनस सीएल और एन एनओ थ्री बन जाएगा एन ए और एनओ थ्री उसके साथ आ जाएगा अब यहां मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना इसको बोलते हैं अपन सिल्वर क्लोराइड क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम याद रखना और एन थ्री माइनस को बोलते हैं अपन नाइट्रेट क्या बोलते हैं नाइट्रेट तो इन दोनों बीच के बीच की अभिक्रिया हुई देखो और ये जो बनता है ना बेटा ये क्या देखो ये जो बनेगा ये एक यू बनेगा मतलब जल में घुले ये भी एक य्यू बनेगा जल में घुलेगा और ये भी एक य्यू बनेगा क्या बनेगा जल में घुलेगा पर मेरे प्यारे बच्चों एक जो है एजीसीएल वो क्या बनेगा ठोस जो हमारा क्या होगा अवक्षेप क्या होगा अवक्षेप ठीक है हाँ बहुत बढ़िया क्या होगा अवक्षेप होगा क्या होगा अवक्षेप होगा समझे ना हाँ तो बेसिकली अभी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है जहां पर एक अगुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है वो भी कहा द्विविस्थापन अभिक्रिया किस में किसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों को आ गया मेरे प्यारे बच्चों को आ गया अब इस अभिक्रिया में देखो विक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा है ना ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखी है जिनमें ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति होती है क्या ये हमने पढ़कर आए हैं यह हमने पढ़कर आए हैं जल्दी से उन रिएक्शन को लिखने की कोशिश करो जल्दी से उस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करो हाँ भाई ठीक है तो यहां पर तुमने क्या करा भाई मतलब लाइक like, क्या करना है हम लोगों को कि भाई वियोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण बताने हैं ठीक है ठीके? और यहां पर क्या हम ये पढ़ चुके हैं वैसे क्या कि जैसे कि मान लो एक वियोजन अभिक्रिया मैंने ले ली सी ए सीओ थ्री अब यहां पर मैं इसको गर्म करता हूं क्या बन जाता है सीएओ प्लस सी ओ टू तो ये यहां पर क्या यूज करा मैंने ऊष्मा क्या यूज करी बेटा मैंने ऊष्मा है ना हीट दे रहा हूं मैं ठीक है अब उन्होंने ये पूछा है कि एक विद्युत वाली भी बताओ तो विद्युत के लिए मैंने बताया था तुम लोगों को क्या कि जो जल है उसका विद्युत अपघटन कर दो भाई टू एच टू ले लो और यहाँ ले लो विद्युत क्या क्या ले लो विद्युत ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग ठीक है हाँ एक और अगर मैं बात करूं उन्होंने क्या पूछा हमसे कि भाई प्रकाश वाली भी बता दो तो प्रकाश के लिए क्या लोगे मान लो भाई एजीसीएल ले लो या एजीबीआर ले लो जो तुम्हें लेना था क्या बन जाएगा सर ए जी प्लस क्लोरीन निकल जाएगा तो यहां पर टू ए जी सी एल टू ए जी समझ रहे हो ना तो यहां पर क्या लिया मैंने मेरे बच्चों प्रकाश क्या लिया प्रकाश तो ये वही है है ना तो वही हमने जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं वियोजन अभिक्रिया में तीन टाइप देखे थे हमने वो तीनों प्रकार यहां दिए हुए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कर दोगे बहुत बढ़िया ये प्यारा क्वेश्चन है एक चीनी की प्याली में एक ग्राम कॉपर लिया गया है और गर्म किया जाता है देखो गर्म कर रहे हो क्या कर रहे हो गर्म वो भी कॉपर को तो क्या परिवर्तन होता है जब इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है क्या की जाती है हाइड्रोजन गैस तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का नाम व रंग बताइए प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद और अभिकारक का नाम और रंग बताइए ठीक है।, है तो एक चीनी की प्याली है भाई क्या है चीनी की प्याली है देखो ध्यान से अब यहां पर क्या होता है कि जो कॉपर है है ना कॉपर को तुम गर्म कर रहे हो क्या कर रहे हो गर्म तो कॉपर होता है सीयू अब गर्म करोगे तो ऑक्सीजन होगी भाई क्या होगी ऑक्सीजन अब जो ऑक्सीजन है ये कॉपर भाई वायु में उपस्थित क्या है ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन जो कहां पर उपस्थित है वायु में वो ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देती है इसका ऑक्साइड जो होता है हमारा सीयूओ कैसा बनाती है सीयूओ तो यहां पर अगर मैं अभिक्रिया मतलब अगर मैं बात कर संतुलित करूं तो यहां कितना एक यहां दो है तो मैं दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां दो आ जाएगा ठीक है और ये आ गया कॉपर तो ये जो कॉपर अभिक्रिया है ना कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या, क्या बनाता है कॉपर ऑक्साइड क्या बनाता है कॉपर ऑक्साइड तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है कॉपर ऑक्साइड है ना ये कैसा होता है काला कैसा होता है काला काले रंग का पदार्थ होता है कैसा रंग होता है काला रंग होता है और एक है ना और ये कैसा होता है देख भूरा कैसा होता है भूरा है ना कैसा होता है भूरा और ये कैसा होता है काला अब ये काला पदार्थ बना भाई अब क्या होता है कि इसके बाद उसने क्या किया इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर दी कौन सी गैस प्रवाह कर दी हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर दी तो देखो इससे ही देखो अभी ऑक्सीजन गैस मिर्जोड़ी थी ना जब इस सीयू के ऊपर कौन सी गैस डालते अपन हाइड्रोजन गैस तो ये ऑक्सीजन को हटा देता है क्या बन जाता है देखो ऑक्सीजन हट गई तो फिर वापस मिल जाएगा 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 और ये क्या बन जाएगा? क्या बन बन अच्छा यहां पर अगर तुम देखोगे सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रवाह करनी थी क्या करनी थी अपने को हाइड्रोजन गैस तो जैसे ही एच टू उसके साथ कंबाइन हुआ क्या निकल गई भाई भाई ऑक्सीजन निकल गया ऑक्सीजन निकल गया क्या निकल गया ऑक्सीजन तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड जो कैसा था ब्लैक काला और ये हाइड्रोजन के साथ मिलने पर क्या हो गया भूरा क्या हो गया भूरा कैसा हो गया भूरा तो ये अपने को पता होना चाहिए तो ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो क्या लिखोगे भाई गर्म करने पर ये क्या बन जाता है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है किसमें परिवर्तित हो जाता है ऑक्साइड में ठीक है और फिर वापस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर वो किसमें परिवर्तित हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों वापस बुरे रंग के पदार्थ कॉपर में ठीक है हाँ, अच्छा अब देखो दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है है ना? कौन सा कथन सत्य है यह हमें बताना है है ना दी गई अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है ठीक है तो इसके लिए मैं थोड़े तुम्हारे साथ थोड़े कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा ठीक है हाँ देखो दो तरीके की अभिक्रियाएं होती है एक होती है ऑक्सीकरण और दूसरी क्या होती है अपचयन एक होती है ऑक्सीकरण और दूसरी क्या होती है अपचयन चलो तो देखते हैं भाई ऑक्सीकरण क्या होता देखो, है देखो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन का योग होता है किसका योग होता है ऑक्सीजन का योग होता है तो चलो हम लिख लेते हैं जिसमें क्या हो कई सारी डेफिनेशन शेयर करूंगा जिसमें क्या हो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का योग हो क्या हो योग मतलब ऑक्सीजन ऐड हो ठीक है मतलब अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कौन सा वाला अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यह वाला यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन एड हो रही है ना ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना तो ऐसी अभिक्रिया को मैं क्या बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या बोलता हूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो यहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है हाँ पहली बात जहां पर या फिर इसके अलावा भी एक चीज लिख सकते हो क्या लिख सकते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो दान हो इलेक्ट्रॉन दान हो है ना इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जाए डोनेट कर दिया जाए दान हो जाए इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए वो भी क्या होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ रहे हो ना चलो मैं दिखाता हूं जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर तुमने क्या कर दिया अगर तुमने मान लो सोडियम था तुम्हारे पास है ना तो सोडियम ने क्या किया क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने क्या करा क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम ने बनाया एनएसएल क्या बनाया एनएसएल ठीक है तो सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया ना इसको ठीक है अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया क्या बना NACL. अब ये जो एनएस है ये जो NACL है है पर प्लस है और सीएल पर माइनस है तो तुम क्या बोल सकते हो सोडियम जो है वो क्या हुआ ऑक्सीकृत हुआ है क्या हुआ है ऑक्सीकृत हुआ ऑक्सीकरण हुआ इसका ठीक है ऑक्सीकरण हुआ अच्छा अब चैन में क्या होगा अब चैन में ये होगा सर कि यहां पर किसका जोड़ होगा हाइड्रोजन का योग होगा किसका योग होगा हाइड्रोजन का या फिर क्या बोलोगे या फिर सर या फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है ग्रहण किया जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है वह अपचयन अभिक्रिया अभी कहलाती है या इलेक्ट्रॉन जहां ग्रहण होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है तो बेसिकली यहां पर जो सीएल है वो तो सीएल क्या हुआ उसका क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों अपचयन हुआ है क्या हुआ है अपचयन हुआ है ठीक है Cl2 के फॉर्म में होता है इसलिए मैं इसको लिखूंगा half. क्या लिखूंगा क्या वो कोई हो गया। और जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है वो क्या हो गया ऑक्सीकृत हो गया और इस पूरी अभिक्रिया को इस पूरी अभिक्रिया को मैं बोलता हूं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलता हूं रेडॉक्स अभिक्रिया जहां पर दोनों साथ साथ होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं दोनों साथ साथ होते हैं। तो अभी है है? हाँ। तो मेरे प्यारे इसका एग्जाम्पल अपन पढ़कर आए ये वाला पर क्या हो रहा है देखो यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन क्या हुआ होगा भाई कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ तभी तो ऑक्सीजन जोड़ हो गया और यहां पर हाइड्रोजन का अगर हम बात करें जोड़ हो रहा है मतलब सीओ का क्या हो रहा है अपचयन क्या हो रहा है सीओ का क्या हो रहा है अपचयन तो जहां ऑक्सीजन का योग हो जाए वो ऑक्सीकरण और जहां हाइड्रोजन का योग हो जाए वो क्या है अपचयन क्या है अपचयन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो तो भाई फिर इसमें देखते अपन यहां पर तुम देखोगे यहां पर आयरन जो है क्या है जो आयरन वो क्या बना रहा है एफ देखो यहां पर क्या है इसमें ऑक्सीजन का एड हो गया ना तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण क्या हो गई ऑक्सीकरण बहुत बढ़िया ठीक है और यहां पर से देखोगे तुम जो एच टू है इससे हाइड्रोजन जो है मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया निकल गया इसका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों अपचयन क्या हुआ अपचयन क्या हुआ अपचयन अच्छा एक बात सुनो मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक प्यारा एग्जाम्पल बता दूं एक बात हमेशा याद रखना अपचायक क्या होते हैं अपचायक क्या होते हैं और एक और कारक क्या होता है ठीक है? सुनो, देखो मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया जैसे सोडियम उसने इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने क्या करा इलेक्ट्रॉन दिया मैं बोल देता हूं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना तो सोडियम ने बनाया एन ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दिया बताओ सोडियम का क्या हुआ सर हुआ ऑक्सीकरण क्या हुआ ऑक्सीकरण ठीक है भाई सोडियम का क्या हो गया ऑक्सीकरण तो मैंने बोल दिया सर सोडियम का हुआ है ना ऑक्सीकरण ठीक है सोडियम का क्या हुआ ऑक्सीकरण अब एक बात बताओ ये नहिए. जो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया ये इलेक्ट्रॉन लिया किसने अगर बात करें सीएल जो है इसके वक्त के पास गया सीएल के पास सीएल ने वो इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया सीएल माइनस क्या बनाया सीएल माइनस मैं बना देता हूं क्या बनाया Cl माइनस अच्छा इस Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया बताओ सोडियम का क्या हुआ सर ऑक्सीकरण हुआ सोडियम का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बनाया किसको किसको दिया सीएल को और सीएल माइनस का क्या हुआ अपचयन अब मुझे यह बताओ सोडियम ने क्या करवाया क्या करवाया क्या करवाया सर सीएल का अपचयन इसलिए यह जो होगा सोडियम जो होगा हमारा होगा अपचायक क्योंकि इसने सीएल का क्या करवाया अपचयन और वैसे ही सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया किससे लिया सोडियम से अच्छा सीएल का क्या हुआ अपचयन और उसने ऑक्सीकरण किसका करवाया सोडियम का इसलिए जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है ऑक्सीकारक क्या होता है ऑक्सीकारक याद रखना तो जिसका ऑक्सीकरण होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है ऑक्सीकारक क्या होता है ऑक्सीकारक ये याद रखना है देखो जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो क्या हो गया ऑक्सीकरण इसका हो गया भाई इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण बट वो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा भाई वो सीएल के पास गया और सीएल का अपचयन करवाया इसलिए सोडियम जो हो गया वो क्या हो गया एक अपचायक अपचायक हो हो गया गया क्या गया? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता होता है वो होता है वो ऑक्सीकारक ये तुम्हें पता हूं ना चाहिए तो यहां पर एफ का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण तो ये क्या होगा एक अपचायक होगा क्या होगा एक अपचायक ठीक है और H2O का क्या हो रहा है अपचयन तो ये क्या होगा एक ऑक्सीकारक क्या होगा एक ऑक्सीकारक कारक कंसेप्ट समझ में आया हाँ भाई तो चलो ऑप्शन को देखते हैं आयरन धातु तो ऑक्सीकृत हो रही है बिल्कुल सही ऑक्सीकृत हो रही है, भाई। हो रहा है। जल अपचयित हो रहा है क्या जल अपचयित हो रहा है क्या भाई हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई जल का अपचयन हो रहा है जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है क्या जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है नहीं भाई जिसका अपचयन होता है जिसका अपचयन होता है वो उसका क्या होता है भाई वो ऑक्सीकारक होता है वो अपचायक नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन गलत और जो फोर्थ वाला है जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है बिल्कुल सही तो सेकेंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ वाला सही है और जो थर्ड वाला वो गलत है चलो ऑप्शन देख लेते हैं चलो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड वाला गलत है भाई ये गलत है फिर थर्ड और फोर्थ ये तो सही है मतलब थर्ड और फोर्थ भी गलत है सेकंड और फोर्थ ये सही है। वो चलो यहां देखो एक भूरे रंग का तत्व एक्स है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है भाई भूरे रंग का तत्व कौन होता है कॉपर है ना कौन होता है कॉपर ठीक है और इसको है ना वायु की उपस्थिति में रखते हो मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्रिया ये क्या बना लेता है मेरे बच्चों को आता है जो सीओ काला एक पदार्थ बना लेता है जो मेरा क्या होता है कॉपर ऑक्साइड क्या होता है ठीक है कॉपर ऑक्साइड ठीक है हाँ तो ये हलवा हलवा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कर देंगे यहां पर तुम देखोगे यहाँ पर ओ टू yes, तो ये एक बेसिकली क्या बन गया एक ये क्या हो गया एक केमिकल रिएक्शन हो गई और यहाँ पर काले रंग का पदार्थ कौन है कॉपर ऑक्साइड अभी हम बोलकर आए थे इसके ऊपर वापस हाइड्रोजन गैस तो हम दो गोगे तो क्या बन जाएगा वापस कॉपर में चेंज हो जाएगा भूरे रंग के पदार्थ में चेंज हो जाएगा ठीक है तो वो एक्स पदार्थ का नाम बताना था तो यही एक्स है हमारा ठीक है और क्या बोलने वाले हो काले रंग का यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड लिख लिया हमने ठीक है बताइए बहुत ईजी था मेरे प्यारे बच्चों अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है चलो देखते हो देखो बेटा क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाओं में ऊषमा का क्या होता है अवशोषण होता है मतलब ऊष्मा ली जाती है

वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या होती है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो देखो मेरे पास क्या है सीएच फोर मैंने इसके ऊपर डाल दी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ जला दिया भाई मतलब ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो क्या बन जाएगा यहां बनेगी सर सीओ टू और क्या बनेगा जल बनेगा और इसके साथ क्या निकलती है इसके साथ निकलती है ऊष्मा और क्या निकलता है और निकलता है प्रकाश क्या निकलता है लाइट मीथेन को तुम जला रहे हो ये क्या है ये मीथेन है इसको तुम जला रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में थी। ठीक है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो अगर मेरे प्यारे बच्चों में तुम्हें तो तो थोड़ा सा याद दिलाऊ यहां पर अपन टू गो टू लेते हैं और यहां पर टू एच टू तो यह बैलेंस हो जाती है क्या हो जाती है बैलेंस है ना अभी अपन करने वाले हैं टेंशन ना लो सारी अभी की को बैलेंस करना सीख लेंगे बट अभी तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जो सी एच फोर है इसको तुम जलाओगे तो कौन सी रिलीज होगी सीओ टू और क्या होगा भाई जल निर्माण होगा तो ये बन गया हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाई ऑक्साइड और ये बन गया जल क्या बन गया जल ठीक है और ऊष्मा एवं प्रकाश निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रियाओं को मैं बोलता हूं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जहां पर ऊष्मा निकलती है ऊष्मा निकलती है चलो भाई तो ऊष्मा शोषी भी बता दो सर तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होंगी जहां पर ऊष्मा का क्या होता है अवशोषण होता है भाई अवशोषित होती है उदाहरण के लिए बहुत सारे देख लिए अभी हमने क्या लिखा था सीए सी ओ थ्री को हीट कर दो क्या बन जाएगा सीएओ प्लस सीओ टू सी ए प्लस सीओ टू तो ये भी एक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया अब चलो हम पिछली अभिक्रिया देख लेते हैं है ना चलो भाई पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं तो पच्चीस एम एल मतलब पच्चीस पच्चीस एम एल के उन्होंने क्या लिए है बी सी के रूप में चलने तीन बीकर लिए मतलब तीन बीकर थे भैया ठीक है तीन बीकर थे एन इसका नाम ए था एक और बना देता हूं ये बी था ठीक है और ये सी था तीन बीकर मैं मैंने वीकर बनाए हैं चलो तो तीन वीकर लिए अब इन तीन वीकर में क्या हुआ एबीसी के बीकरों में कुछ मात्रा में एनएच क्या डाला एनएच कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड तीनों को मिलाया क्या क्या डाला मतलब सोडियम और, क्या मिलाया? और बनाया सोडियम ये किया गया, ये देखा गया मेरे प्यारे बच्चों कि ए में तापमान में वृद्धि हुई देखो ए और बी में क्या हुआ टेम्परेचर जो हुआ वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ इन दोनों में इन दोनों में टेम्परेचर क्या हुआ बढ़ गया ठीक है जबकि बीकर सी में जो टेम्परेचर है वो कम हो गया ताप क्या हो गया कम हो गया तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य है चलो देखते हैं वहां पर निकली होगी और वह अभिक्रिया कौन सी होगी उषमा छेपी तो अभिक्रिया होगी ए तथा में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा ना ए वाला ए तथा ऊष्मा शोषित प्रक्रम है नहीं हुआ गर्म हो रहा है निकल रही है तो गर्म हो रहा है हाँ और वैसे ही थर्ड वाला देखे है। तो सी में उसमें छेपी प्रक्रम संपन्न हुआ कौन सा संपन्न हुआ सी में छेप, छेपी हुआ क्या नहीं वहां तो ठंडा हुआ ना बीकर सी में उसमें सोशी प्रक्रम है तो सही वही फर्स्ट और फोर्थ है तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहला और चौथा कहां पर सही है पहला और चौथा किसमें है बी में सही है बी में सही है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही है ना इजी इजी क्वेश्चन तुम लोग आसानी से कर देते हो ठीक है हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था ठीक है तो तुम तो 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 लोगों को बनता है सबसे बनता है चलो भाई चलो उसमा छेपी उसमा सोची हो गया अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें है ना और ये संतुलित तो करना सिखाऊंगा ये मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद है ना मैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना सिखाऊंगा कि कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो तो चलो भाई सबसे पहले ना एक रामबान टेक्निक में तो मैं बताने वाला हूं एनसीईआरटी में तो दी हुई है एक टेक्निक बट वो बहुत मतलब बोल सकते हो कि बहुत टाइम टेकिंग है है ना तो तुरंत आंसर कैसे आए वो टेक्निक को हम सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं तुरंत आंसर कैसे आए वो टेक्निक को सीखने वाले हैं तो इसको अगर मैं बात है ना इस टेक्निक को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं सुनो उसको हम बोलते हैं ए बी सी डी मैथड ए बी सी डी मैथड मैथड मतलब विधि ए बी सी डी विधि ए बी सी डी विधि तो चलो सर सिखा दो चलो सर सिखा दो चलो भाई आ जाओ तो देखते हैं मान लो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक इक्वेशन तुम्हारे तो सामने लिखता हूं मान लो मेरे पास है भाई C2 C2 H6 प्लस आ गया O2 C2 H6 प्लस आ गया O2 और इससे बनता है CO2 प्लस क्या बनता है जल क्या बनता है जल i c2h6 uh, o2 गिव्स co2 plus जल ना तो देखते हैं भाई इधर देखो अब क्या होता है इसको क्या कर लो कुछ मत करो इसको a b c d मान लो ये a ये b ये c और ये d क्या करा बस a b c d मान लिया इसके सामने a इसके सामने b इसके सामने c इसके सामने d ठीक है हाँ अब मुझे बताओ कार्बन कितने कितने हैं? देखो हर तरफ अपने को देखना है। इस गंगे गंगे, इस और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए क्या होना चाहिए राइट हैंड में होना चाहिए लेफ्ट हैंड में जितने राइट है, हैंड right में होना चाहिए चलो यहां देखो भाई हम कार्बन को देखते हैं कार्बन में बताओ भाई एक मतलब कार्बन कितने इसमें सर ए वाले में दो हैं तो मैं लिखूंगा टू इन टू ए टू ए हाँ अब देखो भाई इसमें कार्बन है क्या नहीं है अब राइट में चलते हैं राइट में कार्बन कितने हैं सर सी 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 में एक है है तो मैं लिखूंगा सी। ना? सी मतलब इंटू वन, मतलब ठीक हाँ। इसमें कार्बन है क्या नहीं है तो चलो भाई पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास अब बात करते हैं किसकी हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन मेरे पास ही आ गया अब हाइड्रोजन को देखो हाइड्रोजन यहां कितने हैं सर यहां पर सर पर ए वाले में कितने सिक्स ए लेफ्ट वाले में देखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड है ना बीच में इक्वल करके राइट हैंड साइड तो चलो पहले में हाइड्रोजन में कितने यहां पर सिक्स है तो मैं लिखूंगा सिक्स है इन टू ए सिक्स इन टू ए वेरी गुड बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों को आ रहा है अच्छा बी में देखते हैं कितने हाइड्रोजन है नहीं है सर ठीक है इक्वल करो राइट में चलते हैं यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं पर तो टू इन टू डी सोच पा रहे हो डी में कितने हैं दो तो मैंने लिख दिया टू इन टू डी चलो वैसे ही अब कार्बन देखते हैं तो कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गया अब ऑक्सीजन देखते हैं क्या देखते हैं ऑक्सीजन चलो देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर सर ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं जैसे कि मैं बोल दूंगा टू सी ठीक है अच्छा एक और है तो प्लस लगाऊंगा भाई राइट में और है ना अच्छा डी में है तो मैं लिख दूंगा डी टू सी प्लस डी अब क्या करना है अब बहुत सिंपल सा एक मेथड है इसके बाद तो मैं क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों इसमें तुम्हें वो चीज देखनी है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है सभी में ठीक है सभी में कौन सा है, है, है। क्योंकि को, ए को अगर मैंने तो वन मान लिया तो मेरे को सी की वैल्यू पता चल जाएगी किसकी वैल्यू पता चल जाएगी सी तो चले ए को वन मान लेता तो लेट अजी लेट मतलब बता दे मान लो है ना मान लो मान लो <laughs> तुम लोगों से बोल रहा हूँ ठीक है अपनी ट्रिक है ये तो क्या कर लो टू ए को वन मान लो तो टू क्या हो जाएगा टू इन टू वन इज इक्वल टू सी है ना तो ए जो हो गया वो क्या हो गया मान लो एज इक्वल टू वन है ना तो, अच्छा सी क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू हो जाएगा सर टू एज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू टू एज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू टू बहुत बढ़िया भाई मेरे को आ गया चलो यहाँ पर डी देख लेते हैं भाई अच्छा ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू सर वन है तो ए की वैल्यू जब मैंने वन ली और सी टू आ चुका है चलो कितना आ गया वन। तो मैं बोल दूंगा वन टू टू इंटू दी। तो दी क्या जाएगा सर बाई टू मतलब थ्री। देखो ये दो पक्षांतर कितना होगा तीन टू को यहाँ ले जाते बी कितना आया था आपने बताओ बी कितना आया तो बी अभी देखना है अपने को बी है? हाँ ये, बी को गया? ये निकालना है तो चलो बी रह गया बस तो टू इंटू बी अच्छा सी कितना है सी देखो सर सी दो है और टू इंटू दो तो तू इंटू तू, ठीक है? सी के वैल्यू दो ले ली है ना, और टू पहले सी था तो सी प्लस डी कितना है बताओ डी कितना है डी अभी निकाला तीन ये तीन आ गया ये क्या आ गया तीन अच्छा अब देखो तो दो अच्छा टू इंटू बी तो ये टू बी है है ना इक्वल में दो, दो गुना दो चार और तीन सात ती ये आ गया सर सात अच्छा बी की वैल्यू क्या जाएगी सात बटे दो सात बटे दो चलो भैया मेरे बच्चे सीख गए अब सुनो अब क्या कर दो भाई ए बी सी डी की वैल्यू रख दो एबीसीडी की वैल्यू रख दो तो चलो दिखाते हैं तो जब तुम एबीसीडी की वैल्यू रखोगे तो देखो ए कितना है वन हम तो लिखोगे ए सी टू एच सिक्स मतलब सी टू एच सिक्स क्या ले लिया एक अच्छा बी कितना है बताओ भाई B हमारा कितना आया बी कितना आया बी आया सेवन बाई टू दोगे भाई सेवन अपॉन टू सेवन अपॉन टू ओ टू रावन अपॉन टू ओ टू गिव क्या बनाएगा c सी कितना सी आया हमारा कितना सी आया दो तो मान लेते हैं भाई टू टू सी ओ टू ठीक है और भाई बी कितना आया सॉरी बी हो गया डी कितना आया डी आया थ्री प्लस थ्री एच टू ओ दिस इज दैलेंस्ड इक्वेशन दिस इज दैलेंस्ड इक्वेशन बट क्या होता है कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना अच्छा अच्छा नहीं दिखता क्योंकि अपन अणु को भाई भाई दशमलव को थोड़ी लखेंगे फ्रैक्शन में थोड़ी लिखेंगे भिंड पे थोड़ी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दो से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दो से क्योंकि दो हट जाए जैसे ही दो से हट करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा देखो तो क्या हो जाएगा अपन फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं जैसे इसमें दो का मल्टीप्लाई किया तो यहां दो आ गया यहां दो आया तो दो से दो कैंसिल यहां अगर बात करें दो से मल्टीप्लाई हो गया तो ये चार हो जाएगा और यहां दो से मल्टीप्लाई हुआ ये हो जाएगा समझ रहे हो तो आ जाओ ये क्या हो जाएगा टू सी टू एच सिक्स क्या हो जाएगा टू सी टू एच सिक्स मैं लिख देता हूं भाई टू सी टू एच सिक्स प्लस सेवन ओ टू फोर सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू तुम मतलब बहुत जल्दी है ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो है ना और कभी इजी आ जाए तो बताइए भाई दोनों तरफ काउंट करते रहो एटम्स को और देखते रहो <laughs> वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यहां देख लो पहले हाइड्रोजन फिर इधर हाइड्रोजन देख लो फिर ऑक्सीजन देख लो फिर ऑक्सीजन देख लो बट ये जो ट्रिक है इस तरीके से इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से तुम्हें करना आना चाहिए देखो टफ से टफ रिएक्शंस की अपन कर रहा है टफ से टफ रिएक्शंस की अपन कर रहे हैं ठीक है हाँ भाई बहुत बढ़िया चलो एक रिएक्शन और करते हैं एक अभिक्रिया और करते हैं मान लो तुम्हारे पास क्या जाता तुम्हारे पास आ जाता भाई NH3 ठीक है और आ जाए O2 क्या जाए O2 ये बनाता है NO H2 क्या से गाइस सर सर कुछ नहीं ए बी सी डी ले लो क्या ले लो ए बी सी डी ले लो क्या आ जाएगा भाई ये ए ये बी ये सी ये डी ले लिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब क्या करना है सर अब चीजें देखते चलो अब नाइट्रोजन काउंट कर लेते हैं नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं ए में कितने हैं सर एक है तो मैं बोल दूंगा ए है ना अच्छा अब इस तरफ नाइट्रोजन दिख क्या नहीं तो इक्वल करो राइट right में देख लो सर सी में एक नाइट्रोजन right है मैं बोल देता हूं ए इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी वेरी गुड बहुत अच्छे अच्छा अब हम देख लेते हैं सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो चलो भाई ऑक्सीजन देखते तो ऑक्सीजन यहाँ कितने सर बी में दो हैं तो टू बी अच्छा इधर और ऑक्सीजन है क्या नहीं अब राइट right में देखते हैं सर सी में है तो सी एक है अपने एक लिख लिया प्लस डी में कितना है एक है तो डी ये एक इक्वेशन बन गई

कि जो हर चीज में कॉमन है हर चीज में कॉमन है तो यहां पर ए मेरे को ज्यादा कॉमन दिख रहा है ए मेरे को ज्यादा कॉमन दिख रहा है ए को वन मानने में फायदा है ए को वन मानने में फायदा है चलो भाई बनाते हैं <laughs> तो जब ए को वन माना ए को वन माना तो अगर ए वन तो सी भी क्या आ गया वन देख रहे हो ना ए को वन तो सी भी क्या आ गया वन आ गया अच्छा अब यहां से डी की वैल्यू निकाल लेते थे ए क्या जाएगा थ्री इंटू वन इज इक्वल टू टू इंटू डी डी निकालो क्या जाएगा थ्री अपॉइन टू इज इक्वल टू डी बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों तुमको आ गया बहुत बढ़िया सीखे ना भाई ये टू यहां आ आ जाएगा ये आ गया देखो टू अपॉन में ये आ गया D is equal to three upon two. चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो चलो बी निकाल लेते टू इंटू बी टू इंटू बी अच्छा टू इंटू बी आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे को आ रहा है टू इंटू बी आ गया अब क्या करें सर सिंपल है अब टू भी, C की वैल्यू रख दो कितना 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 है है अभी निकाला निकाला ना ना ये देख हाँ, प्लस दी, दी कितना निकाला? ये ये देख रहा आ गया by चलो भाई भाई हो जाएगा भाई? Is equal to into one, ना? और ये आ जाएगा वन मतलब ये आ गया टोटल कितना फाइव अपॉन टू अच्छा टू को यहाँ भेज दो क्या हो जाएगा बी इज इक्ल टू फाइव अपॉन फोर ये बी टू यहाँ चले जाएगा ना बेटा चार से मल्टीप्लाई चार हो जाएगा दो गुणा दो चार अच्छा ए बी सी डी की वैल्यू आ गई अब सर चलो इक्वेशन लिखते हैं क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन चलो ए की वैल्यू बोलो ए सर वन है तो एन एस थ्री बी कितना है सर बी कितना है बी जो आया मेरा वो फाइव अपॉन फोर है तो मैंने फाइव अपॉन फोर ओ टू लिख दिया अच्छा सी कितना है सर सी जो है वो वन है मैं आ गया वन एन ओ अच्छा डी कितना है डी जो है सर वो है थ्री अपॉन टू एच टू ओ एच टू ओ वेरी गुड वेरी गुड अब क्या करें सर सर ये फ्रैक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये फ्रैक्शन ये भिन्नात्मक संख्या मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्या कर दूं भाई क्या करूं चलो भाई सर रामबाण इलाज है क्या कर दो यहां पर चार का मल्टीप्लाई कर दो कितने का मल्टीप्लाई कर दो चार का मल्टीप्लाई कर दो कर देते हैं भाई तो जब मैंने इसमें चार का मल्टीप्लाई किया देख भयान से मैंने जब इसमें चार का मल्टीप्लाई किया ऐसे तो ये देखो टू बंजा दो एकम दो दो दुनी चार दो एकम दो दो चार और दो तीन छह मतलब ये होगा ना और यहाँ पर देखो चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा चार से चार कैंसिल ना ये चार हो जाएगा तो इक्वेशन क्या जाइए फोर एनएस थ्री प्लस फाइव ओ टू बनाता है कितना फाइव सॉरी फोर एनओ कितना चार एनओ चार एनओ बना दो भाई चार एनो चार एनो चार एनो चलो भाई चार एनो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना और क्या बनेगा मेरे बच्चों सिक्स एच टू ओ सिक्स एच टू ओ खुद देखो ना जब मैंने देखो फोर की वैल्यू यहां रखी तो देखो टू वन जो टू 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 जो फोर समझ लो चार कट गया यहां दो आया दो का तीन में मल्टीप्लाई हुआ कितना आया आंसर कितना आया छः आया भाई है ना तो सीख गए तुम लोग कोई चीज रटना है क्या नहीं एवीसीडी लेना है क्या लेना है एवीसीडी लेना है और सर चुटकी बजाते ही आंसर आएंगे चुटकी बजाते से ही आंसर आएंगे परफेक्ट आएंगे देखो हलवा रिएक्शन आ गई तो तुम वैसे ही कर दोगे है ना इजी रिएक्शन आ गई तो वैसे ही कर दोगे इस तरफ कितने उस तरफ कितने आइटम ऐसे ऐसे चलते रहना बट मेरे प्यारे बच्चों अगर है ना कोई रिएक्शन दिख रही है कि मुझे टाइम कंज्यूमिंग है कोई रिएक्शन मुझे दिख रही है कि क्या है टाइम कंज्यूमिंग है वो मेरा समय ले लेगी मेरा टाइम बर्बाद कर देगी तो मेरे प्यारे बच्चों फिर तुम्हें इस मेथड के ऊपर आना है 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 ना बहुत है, बहुत इजी आसान शुरू में प्रैक्टिस मैंने को धीरे धीरे बताया लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुम ऐसे करोगे ऐसे करोगे आया बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया चलो मैं कुछ होमवर्क भी देता हूं तुम्हें करना है क्या करोगे कि भाई सी फोर एच टेन ले लो ओ टू ले लो करो भाई सी ओ टू बनेगा और एच टू ओ बनेगा इसको करो है ना मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम दे दूंगा तुम तो वैसे ही करके बताओगे ठीक है हाँ तो ये बहुत प्यारी प्यारी मेथड थी मेरे प्यारे बच्चों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैंने बताई है ना ये तुम्हें आना चाहिए ये तुम्हें आना चाहिए क्या बात है अब सर है ना रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना तो मैं सीख चुका हूं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना तो मैं सीख चुका हूं पर मेरे प्यारे बच्चों अब मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाता रहा हूँ जिससे तुम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हो मोस्ट ऑफ़ द रिएक्शन हाँ कुछ अभिक्रियाओं में है ना स्पेशल कंडीशन आ जाती है तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के मतलब कोई भी रिएक्शन को याद ना करना पड़े मेरे पास एक अप्रोच आ जा जाए जा जिससे मैं है ना इजिली किसी रिएक्शन को सॉल्व कर सकूँ <laughs> तो वो सीखना है तुम लोगों को हाँ और मुझे रासायनिक सूत्र याद करने में भी बहुत दिक्कत आती है मुझे रासायनिक सूत्र याद करने में भी बहुत दिक्कत आती है तो सर उसके लिए भी कोई ट्रिक बताओ उसके लिए भी कोई ट्रिक बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट और करने जा रहे हैं जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम तुमसे होगी होगी सॉल्व सॉल्व ठीक है इस लेक्चर और एक प्रैक्टिस शीट जो मैं देने वाला हूं वो खत्म कर लो इनफ है मोर देनफ है मतलब लाइक मोर देन समझ रहे हो कि मतलब पर्याप्त से भी ज्यादा पर्याप्त से भी ज्यादा तो चलो भाई अब हम देखते हैं कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे सॉल्व करें इसके लिए मेरे बच्चों मैं कुछ है ना तुम्हें तत्व बता रहा हूं सारणी के वो तुम्हें थोड़े याद होना चाहिए उसके लिए मैं बता रहा हूँ देखो क्या करोगे उसके लिए यह करो सबसे पहले कौन आता है मतलब हाइड्रोजन है ना अभी अपन देख रहे हैं पूरे तत्व में कुछ याद दिला रहा हूं ली ना के रब से फरियादे ली ना के रब से फरियाद याद नहीं करना है जब तुम बार बार रिवाइज करोगे ना चैप्टर को तो इजीली याद हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा हे ली ना के रब से फरियाद क्या होगा हे ली ना के रब से फर्याद। हे मतलब हाइड्रोजन ली मतलब लिथियम ना मतलब सोडियम के मतलब पोटेशियम रूबीडियम सीजियम और फ्रेंशियम ऐसे याद रखना फिर कौन सा आता है ग्रुप टू आता है मेरे बच्चों ग्रुप वन में आ गए ग्रुप टू क्या आ जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ना ये याद रखना है तुम्हें बस और कुछ नहीं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ये कौन सा हो गया ये हो गया ग्रुप वन ये हो गया ग्रुप टू ठीक है ये ग्रुप वन और ये ग्रुप टू अच्छा इसके आगे चलते अपन कौन कौन वो आता है बैंगन आलू गाजर इन थैला ना बैंगन आलू गाजर एन थे तो ये बेटा होता है ग्रुप थर्टीन कौन सा होता है थर्टीन तेरवा समूह ये कौन सा है? समु एक, समु तेरा एक समूह दो और ये समूह तेरा चौदह में क्या होता है भाई में जो होता है वो कौन होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु समझ लो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेरिलियम मैग्नीशियम ऐसे याद रखना बेटा मतलब बेरिलियम मांगे मतलब मैग्नीशियम कार मतलब कैल्शियम स्कूटर मतलब है ना फिर बाप मतलब बैरियम, राजी मतलब राजी रेडियम ऐसे याद रखना है ठीक है एकदम रटना मत नहीं रटना नहीं अपने को, अपने को को बस चीजें रिकॉल करते चलना है जो तुम्हें इजीली याद हो जाएगी बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें कितना नाम याद है ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि तुम्हें किसके ऊपर कितना चार्ज होता है कितना आवेश होता है वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं ठीक है जनरल आवेश कितना होता है ठीक है हाँ अच्छा वैसे ही क्या होता है मेरे प्यार बच्चों को पंद्रहवा समूह देख लेते पंद्रहवा में क्या होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास ठीक है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास फिर कौन होगा भाई सोला ओ स्टाइल से तेल पॉलिश है ना ओ स्टाइल से तेल पॉलिश सेवनटी में क्या होता है भाई फिर कल बाहर आई आंटी और तुम्हारे अरमान धुल गए फिर होगा अठारवा ठीक है फिर कौन होगा हीदा नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन चलो भाई अब देख लेते हैं देखो यहां पर बैंगन मतलब बॉनॉन आलू मतलब एल्यूमिनियम गाजर मतलब गैलियम इन मतलब इंडियम और थैला मतलब थैलियम कहे सीता जी सुनो प्रभु कहे मतलब कार्बन सीता मतलब सिलिकॉन जी मतलब जर्बेरियम ना सुनो मतलब टिन और प्रभु मतलब लेड ठीक है हाँ फिर कहे है समूह क्रमांक पंद्रह नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास नाना मतलब नाइट्रोजन पाटेकर मतलब फॉस्फोरस ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक सब मतलब एंटीमनी या बिस्मत सॉरी एंटीमनी या और बिस्मत मतलब बिंदास है ये हो गया अपना फिर क्या है 16 में देखो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश ओ मतलब ऑक्सीजन स्टाइल मतलब मतलब सल्फर से मतलब सेलेनियम टे मतलब टी मतलब तेल मतलब टेरिलियम, तेल पॉलिश मतलब पोलोनियम वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और वैसे ही हीना नीना और करीना

पिछली कक्षा में देखो कुछ डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं ना ये कौन सा वो हो ब्लॉक होता है एस ब्लॉक है ना ये कौन सा होता है ये पूरा होता है पी ब्लॉक और यहाँ पर बीच में कई डी ब्लॉक होता है और नीचे एफ होता है तो अब एस और पी ये तो याद रखने हैं है ना मतलब याद इन देंस ध्यान रखने हैं डी में कुछ तत्व बताऊंगा उनको याद रखना बस और कुछ नहीं ठीक है, है अच्छा यहाँ देखो तो यहाँ पर जो डी दिया है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं ठीक है, है? हाँ तो यहाँ पर मैं समय कुछ याद दिलाऊंगा वो तो ठीक है अब तुमने है ना पिछली कक्षाओं में दो चीज पढ़कर आए थे एक पढ़कर आए थे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक पढ़कर आए थे संयोजकता क्या पढ़कर आए थे संयोजकता ठीक है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में बता देता हूं ठीक है हाँ याद दिलाता हूँ बाह्यतम कक्ष में उपस्थित है ना बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जैसे सोडियम जो है सोडियम जो है ना इसका कन्फिग्रेशन मैं याद हो तो हम लिखते थे टू कोमा आठ कोमा एक ऐसा लिखते थे और एक इलेक्ट्रॉन इसके बहायतम कक्ष में उपस्थित है इसलिए एक जो है इसका संयोजी है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन है जैसे टू एन स्क्वायर पढ़ते थे ना तुम अच्छा अब इसके निकालने की ट्रिक है ये कि इनके लिए इन तत्वों के लिए क्या करो इसके लिए खासकर पी ब्लॉक के लिए क्या करो कि जो समूह क्रमांक है क्या है जो समूह क्रमांक है समूह क्रमांक है वो उसमें से क्या कर दो दस को माइनस कर दो क्या कर दो दस को माइनस कर दो मतलब जो भी समूह क्रमांक दिया हुआ है उसमें से दस को घटा दो दस को घटा दो ठीक है हाँ तो दस को जब मैं घटाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों तो मेरे पास क्या जाएंगे संयोज इलेक्ट्रॉन सर इससे क्या फायदा होगा अभी दिखाते हैं सर संयोजकता क्या होती है मान लो कोई परमाणु है ना किसके जैसा बनना चाहते हैं आदर्श गैस के जैसा है ना इनर्ट गैसेस के जैसा ये आदर्श गैसेस है इनके जैसा बनना चाहते हैं इनके जैसा बनना चाहता है तो वो क्या करता है या फिर एग्जाम्पल को बताऊ मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास क्या था सोडियम था तो सोडियम का अगर मैं बात करूं तो तुम्हें पता है ये नाभिक होता है और इसके पहली कक्षा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कितना होता है एक ठीक है है ना सोडियम का परमाणु क्रमांक ग्यारह याद करो भाई याद करो सोडियम का परमाणु क्रमांक ग्यारह होता है तो ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे दस है ना और एन ए पे प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया एक इलेक्ट्रॉन चला गया अब ये इसने एक इलेक्ट्रॉन जो गया ना इसके बाद ये देखो इसके पास दस इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं देखो भाई सोडियम से पहले कौन आता है नियम देखो आदर्श गैस के जैसा बन गया इससे इसका अष्टक पूर्ण हो गया ये भी कुछ सोचो देखो इसका अष्टक पूर्ण हो गया अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया काउंटी नहीं करेंगे तो ये अष्टक पूर्ण हो गया सोच पा रहे हैं मेरे जैसा तो सर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए अपना अष्टक या अक्रिय गैस जैसा बनने के लिए उस संख्या को मैं क्या कहता हूं संयोजित संयोजकता क्या बोलता हूं संयोजकता समझ में आ रहा है और संयोगता हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है या हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है धनात्मक होती है धनात्मक होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बहुत बढ़िया आया मेरे प्यारे बच्चों हां तो ऐसी चीजें तो मैं ध्यान रखनी है ऐसी चीजें तो तुम्हें ध्यान रखनी है चलो सर तो मतलब अच्छा समूह क्रमांक एक जो होता है ना इसके ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस वन होता है कितना होता है और समूह क्रमांक दो के ऊपर क्या होता है प्लस टू ये रट लो है ना बहुत सिंपल है क्यों क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन देकर अक्रिय गैस जैसा बन जाते हैं किसके जैसा बन जाते हैं अक्रिय गैस जैसा और मैंने कंसेप्ट ही बताया ना कि भाई दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है वैसे ही समूह क्रमांक तेरा अच्छा इसकी क्या होगी तो देखो अपन संयोजकता कैसे बताओगे तुम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अगर सर आप मुझे बता दें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो मैं बता दूंगा संयोजकता कितनी है सोचो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर देख लेते हैं समूह क्रमांक कितना है इसका सर तेरह और तेरह में से दस का है बच्चे कितने तीन कितने है? तीन अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चे दो बॉक्स बनाओ पहले में लिखो आठ और दूसरे में लिखो तीन बताओ ये क्या करना चाहेगा अगर इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों अष्टक पूर्ण करना है तो ये तीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो माइनस थ्री चार्ज आ गया सॉरी ये तीन इलेक्ट्रॉन लेना सॉरी लेट मी करेक्ट इट है ना कटाते अच्छा इसको अगर अपना अष्टक पूर्ण करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा पांच 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 की तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले ले लेगा लेगा भाई ठीक है हाँ या फिर क्या कर दे ये तीन इलेक्ट्रॉन को दे देते ये आठ पूरे हो जाएंगे तो कौन सा ईजी पांच माइनस फाइव लेना या तीन को देना सर तीन को देना तो इसलिए समूह क्रमांक तेरह पर प्लस थ्री होता समूह क्रमांक तेरह पर क्या होता है प्लस थ्री होता है और थोड़ा याद दिलाता हूं सोचो अगर मान लो हमारे पास क्या होता भाई समूह क्रमांक चौदह है चौदह में से दस गए बचे कितने चार कितने बचे चार अब वो चार को देना पसंद करेगा कि चार को लेना सर दोनों करेगा इसलिए समूह क्रमांक चौदह पर क्या होगा प्लस फोर भी आवेश होगा और माइनस फोर भी होगा प्लस फोर भी हो फोर भी होगा होगा और माइनस अच्छा पंद्रह देखो समूह क्रमांक पंद्रह के ऊपर बताओ पंद्रह समूह है समूह क्रमांक पंद्रह है पंद्रह में से दस गए बचे कितने पांच पंद्रह में से दस गए बचे कितने पांच पंद्रह में से दस गए बचे कितने पांच पांच मैंने दो बॉक्स बनाए एक में लिखा आठ दूसरे में, में लिखा पांच देखो पांच अगर दे दें तो प्लस फाइव और ये अस्टक पूरा या फिर इसमें तीन आ जाए तो माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणात्मक आवेश आता है या नहीं इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणात्मक आवेश आता है या नहीं हाँ तो माइनस थ्री आया अब कौन सा इजी है सर तीन को बुलाना पांच को देना तो बहुत टफ है, है ना तीन को बुलाना है तीन अगर ये देगा ना तीन अगर लेगा इसके ऊपर आवेश आ माइनस थ्री ऐसे इस पर माइनस टू इस पर माइनस वन बस ऐसे भी याद रख सकते हो तुम सिक्वेंस है कि एक दो फिर यहां पर क्या गया तेरह पे तीन चौदह पे चार फिर पंद्रह से क्या हो गई उल्टी गिनती शुरू रूप माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो क्या जाएगा समूह क्रमांक अठारह है अठारह में से दस गए बच्चे कितने आठ पहले ही अष्टक पूर्ण है पहले से ही वो क्या है बैलेंस्ड है पहले से ही क्या है बैलेंस्ड है सोच पा रहे हो हाँ ऐसे ही करना है तुम लोगों चलो भाई तो अब हम थोड़ी सी चीज देखते हैं अब हम थोड़ी सी चीज देखते हैं देखो अब मेरे प्यारे बच्चों मान लो देखो ध्यान से मान लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाए अब हम किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखना सीखते हैं किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखना सीखते हैं बट उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज बता दू जो एन एच फोर होता है ना इसके ऊपर प्लस होता है फी के ऊपर प्लस टू होता है क्या होता है प्लस टू इस एन एच फोर को बोलते हैं अपन अमोनियम क्या बोलते हैं अमोनियम ठीक है हाँ इसको अमोनियम बोलते हैं अमोनियम ठीक है एफ के ऊपर प्लस टू हो तो इसको बोलते हैं अपन फेरस क्या बोलते हैं फेरस अगर एफ के ऊपर प्लस थ्री हो तो उसको अपन बोलते हैं फेरिक क्या बोलते हैं फैरिक याद रखना भाई ऐसे ही वैसे बेटा मेरे बच्चों है ना जेड के ऊपर प्लस टू होता है फेर एक आयन ये भी आयन है क्योंकि चार्ज है ना आवेश है ये भी आयन है ठीक है वैसे ही ये जिंक आयन होता है ये याद रखना तुम्हें तो अच्छा एक और बेटा सुनो अगर तुम्हारे तो पास क्या जाए सी यू के ऊपर प्लस तो इसको मैं बोलता हूं क्यूप्रस क्या बोलता हूँ क्यूप्रस अगर सी यू के ऊपर प्लस टू आ जाए तो इसको मैं बोलता हूँ क्यूप्रिक क्या बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों क्यूप्रिक ध्यान रखना है क्या बोलते हैं क्यूप्रिक सी के ऊपर प्लस तो क्यूप्रस जहां मिनिमम आवेश आ जाए वो क्यूप्रस होता है और जहां मैक्सिमम वो उसको बोलते हैं अपन क्यूप्रिक क्या बोलते हैं क्यूप्रिक ठीक है कुछ माइनस वाले भी तुम्हें तो याद रखना है क्या करा जाए पीओ फोर के ऊपर माइनस थ्री तो इसको अपन बोलते हैं फास्फेट क्या बोलते हैं फास्फेट ना क्या बोलते हैं फास्फेट -दे. देखो जहां पर भी है ना एक से ज्यादा परमाणु वहां एट या आइट आएगा ना इसको बोलते हैं फास्फेट फिर जैसे कि अगर मेरे पास आ जाए जाएफोर के ऊपर माइनस टू इसको हैं सल्फेट क्या बोलते हैं सल्फेट टाटा आ रहा है ना जहां पर भी पॉलीएटॉमिक आयन हो है ना बहु परमाणवीय आयन हो उसमें आ, एट या आठ आता है मतलब समझ रहे हो हाँ और जहां डमरू आएगा वहां एक ही एटम होगा मतलब सल्फाइड मतलब सल्फर ही नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन ही ऐसा अभी दिखाइए देखो बहुत सिंपल है अच्छा SO3 थ्री के ऊपर माइनस टू हो तो इसको पर बोलते हैं सल्फाइट क्या बोलते हैं सल्फाइट <unda> अगर तुम्हारे पास क्या हो बेटा अगर तुम्हारे पास सीओ थ्री के ऊपर माइनस टू हो तो इसको बोलते हैं अपन कार्बोनेट क्या बोलते हैं कार्बोनेट अगर तुम्हारे पास एच सी ओ थ्री माइनस हो देख रहे हो क्या हो HCO3 सी ओ थ्री माइनस इसको अपन बोलते हैं बाई कार्बोनेट क्या बोलते हैं बाई कार्बोनेट या फिर देखो कार्बोनेट से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना या फिर बोल देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत सही ठीक है हाँ भाई और देखते हैं मान लो यहां पर अगर मेरे प्यारे बच्चों आ जाए माइनस क्या आ जाए थ्री माइनस इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेट क्या बोलते हैं नाइट्रेट ठीक है हाँ नाइट्रेट अच्छा यहां पर और याद रखो जैसे एजी के ऊपर प्लस है ना एजी के ऊपर प्लस है तो ये अपना क्या है सिल्वर आयन है क्या है सिल्वर आयन है, ये याद रखना ठीक है सिल्वर आयन है सिंपल समझते चलो ठीक है तो ये थोड़े आयन इनको थोड़ा ध्यान रखना ठीक है पी के ऊपर भी प्लस टू होता है ये क्या है लेड आयन है कौन सा आयन है लेड आयन है तो इनको बस ध्यान रखना है तुम्हें तो पता होना चाहिए कि पीवी किसका सिंबल होता था तो वो क्या होता था प्लस टू है ना लेड पी के ऊपर क्या होता था प्लस टू ध्यान रखो ना ज्यादातर और वो जो मैंने चार्जेस लिखवाए ना आवेश लिखवाए सिर्फ जनरली होते हैं सामान्य तेज होते हैं ठीक है तो अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप किसी का भी रासायनिक सूत्र लिखना सीख चुके हो किसी का भी रासायनिक सूत्र लिखना सीख चुके हो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊ अगर आपसे हाँ किसी ने बोल दिया कि भाई आप भाई साहब आप पोटेशियम पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखो पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखो चलो लिखते हैं पोटेशियम क्या होगा सर वो होता है देखो याद करते हैं हे -ली -ना के 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 हे -ली -ना के के मतलब एक ऊपर प्लस कैसे आया प्लस क्योंकि समूह क्रमांक एक से है समूह क्रमांक एक से है देखो समूह क्रमांक एक से है अच्छा हे ली ना के अच्छा अब देखोगे तुम ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों के प्लस सल्फाइड क्या होता है एस के ऊपर माइनस टू कैसे आया देखो याद करो हे ली रब से फरियाद ना बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी नहीं है बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है फिर आ, आलू थैला फिर आ गया कौन कहे सीता जी सुनो प्रभु नहीं है फिर क्या आ गया सीता जी मतलब सिलिकॉन सल्फर कहा आएगा फिर आ गया नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंद एस नहीं है सल्फर नहीं है फिर ओ स्टाइल स्टाइल मतलब सल्फर तो सल्फर के ऊपर माइनस टू सिक्स में से दस गए बच्चे भेजेंगे कि दो को बुलाएंगे को बुलाएंगे तो माइनस टू क्या कर दो अब क्या कर दो बेटा क्रिस क्रॉस कर दो तो ये जो टू है इसको यहां लिख दो और इस वन को कहा कर दो यहाँ कर दो क्या आ जाएगा क्रिस क्रॉस करा तो भाई टू का मल्टीप्लाई हुआ तो के टू एस क्या हो गया के टू एस ये फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना वैसे ही अगर तुमसे पूछ ले कि कैल्शियम क्या कैल्शियम क्लोराइड बताओ भाई कैल्शियम क्लोराइड बताओ क्या करोगे भाई डरना है क्या नहीं सीए के ऊपर प्लस टू होता है देख लो अभी बिल्कुल नोट्स बनाते चलना मेरे प्यारे बच्चों हाँ कैल्शियम के ऊपर क्या होता है प्लस टू और क्लोरीन पर क्या होता है माइनस वन पर क्या होता है माइनस वन ठीक है लिख देते है भाई कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा Ca और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा वन यहाँ टू यहाँ क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड तो ये हो जाएगा सी ए क्या करना है इस वन का मल्टीप्लाई यहाँ करना है और इस टू का मल्टीप्लाई यहाँ करना है इस तरीके से चीजें करते चलना है बहुत बढ़िया ठीक है एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा सर ए के ऊपर प्लस और सी पर क्या होता है माइनस तो वन यहाँ और थ्री यहाँ क्या बन जाएगा ए एल सी एल थ्री दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों को आने लगा ठीक है तो ऐसे किसका भी लिख सकते हो अच्छा यहाँ पर देखो लास्ट में देखो जब मैं आयन ले रहा हूं ना एक एक परमाणु वाला तो आइड आइड आ रहा है अगर इसकी जगह सल्फाइड आ जाता तो देखो आइड आया था ना सल्फाइड आ गया अगर इसकी जगह सल्फेट आ जाता तो जैसे बोल देता पोटेशियम पोटेशियम ध्यान से समझना सल्फेट क्या बोल देता सल्फेट एट आ गया ना सल्फेट आ गया ना तो अब क्या होगा पोटेशियम होता है सर के क्या होता है के मैं कर देता हूँ उसको क्या होता है के के कर देते हैं भाई पोटेशियम क्या होता है के और सल्फेट क्या होता है फोर पर माइनस टू तो टू यहाँ वन यहाँ क्या हो जाएगा के टू फोर। तो ऐसे फोर क्या हो जाएगा ठीक है हाँ तो ऐसे अपने को करना है अब देखो सारी की सारी अभिक्रियाओं को तो तुम करना सीख जाओगे इस तरीके से ठीक है भाई हाँ ये याद तुम्हें रखना है ये याद तुम्हें रखना है ठीक है अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं इसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी एक चीज बताता हूं इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं कि सारी की सारी अभिक्रियाओं को हम क्या करने वाले हैं आप एक तरीके से सॉल्व करने का सीखेंगे ठीक है ठीक है हाँ तो अब है ना सारी अभिक्रियाओं को अपन क्या करने वाले हैं संतुलित करना सीखने वाले हैं चलो यहां अब देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ मेथड शेयर करूंगा है ना एक क्या होता है एक होता है सहसंयोजी बंध और एक होता है आयनिक बंद क्या होता है एक होता है सहसंयोजी बंद और एक होता है आयनिक बंध ठीक है तो हम देख लेते हैं सर आयनिक बंध क्या होता है आयनिक बंध क्या होता है वो हम देख लेते हैं तो देखो आयनिक बंध में क्या होता है बेटा सामान्यतः क्या होता है सामान्यतः एक होती है बेटा धातु क्या होती है धातु और दूसरा जो होता है अधातु मतलब सामान्यतः धातु और अधातु के मध्य बनने वाला जो बंध होता है वो क्या कहलाता है मेरा आयनिक बंध कौन सा, सा कहलाता है आयनिक बंध मैं तो लिख देता हूं आयनिक बंध होता है किसके बीच में धातु और अधातु के मध्य कौन के बीच में धातु और अधातु के मध्य चलो किसके बीच में धातु और अधातु के मध्य में जो बनने वाले बंध है वो क्या कहलाता है मैं आयनिक बंध ठीक है अच्छा अब इनके बीच में एक अभिक्रिया होती है जो टाइप है मेरा वो अभिक्रिया के अपन टाइप देख रहे हैं वो कौन सा है भाई एक होती है है ना मतलब आयन विनिमय विन ठीक है एक आयन विनिमय एक अभिक्रिया होती है है ना वो अभिक्रिया से अपन देखो सॉल्व करने वाले क्योंकि ज्यादातर तो हमारी टेंथ क्लास की एनसीआर बुक में आयन विनिमय अभिक्रिया ज्यादा दी हुई है, है ना

समझ रहे हो ना ऐसे जैसे एच सी एल है एच के ऊपर प्लस Cl पे माइनस ऐसे सेपरेट करना है फिर तो तो अगर मैं बात करूं क्या है सीए सी ओ थ्री है सीए पे प्लस टू होता है और सी ओ थ्री पे माइनस टू होता है सीए पे प्लस टू होता है और सी ओ थ्री पर माइनस टू है जैसे तो तो तुम्हारे पास सी एच तो फोर है तो इसके ऊपर प्लस फोर या माइनस फोर और इसके ऊपर माइनस फोर प्लस फोर ऐसा कर मत देना गलत है क्यों गलत है क्योंकि वो एक यौगिक है जिसमें दोनों आधात है अपने को ये देखना है एक धातु दूसरा धातु हाँ एच सी एल के केस में चल जाता है क्योंकि ये दोनों भले धातु है बट ये आयस बना सकता है बट हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं बना सकता हाइड्रोजन के अलावा भी कोई नहीं बना सकता ये भी याद रखना ठीक है सी एच फोर नहीं हो सकता चलो और ये हाइड्रोजन भी एक एक बहुत पावरफुल एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए सी एच फोर के साथ नहीं हो सकता ऐसा ठीक है हाँ एक बहुत माइनस वाले के साथ जुड़ा होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए वो हम बताएंगे फिर इसके बाद क्या होता है सेपरेट कर दिया फिर क्या करो इक्वलाइज करो क्या करो इक्वलाइज करो मतलब बराबर करो क्या बराबर करें आवेश को मतलब अगर किसी पे प्लस टू है और एक वाले पहले वाले में प्लस वन है तो अपने को क्या करना है इक्वलाइज करना है ना फिर क्या करना है एक्सचेंज करो क्या करो एक्सचेंज करो मतलब क्या करो विनिमय करो क्या करो विनिमय करो किसका आयन का किसका आयन का बहुत बढ़िया क्या करो विनिमय करो किसका आयन का बहुत अच्छे से मेरे को आ गया चलो अब एग्जाम्पल करें चलो करते तो ये सीख गए सबसे पहले क्या करना था मेरे को सर मेरे को प्लस माइनस अलग अलग करने फिर क्या करना है सर दोनों के प्लस माइनस जब अलग अलग हो गए तो मेरे को क्या करना है कि दोनों जो योग मुझे दिए हुए हैं उनके प्लस माइनस को इक्वल करना है इक्वलाइज करना है और थर्ड में क्या करना है कि भाई आयन का विनिमय करना है पहले वाले के प्लस के साथ दूसरे वाले का माइनस देखो एक बात याद रखो ये भले चीज़ तुम्हें टफ लग रही हो थोड़ी सी है ना समझ रहा हूँ ना ये चीज़ टफ लग रही हो बट बेटा तुम है ना एक देखो तैयारी सभी करते हैं एक बात याद रखना तैयारी सभी करते हैं पर तैयार बहुत कम होते हैं है ना अगर ये चीज़ तुम्हें टफ लगने लगे या कोई भी चीज़ तुम्हें टफ लगने लगे तो इसका मतलब तुम्हें हार नहीं मानना मेरे प्यारे बच्चों वो चीज़ को अपने एज अ चैलेंज लेना कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा वो मैंने बताया ना तैयारी तो सब करते हैं पर तैयार बहुत कम होता है समझ रहे हो इसका मतलब हां बहुत डीप बात है ये तुम्हें आनी चाहिए चलो देखो अब क्या करना है मैं दिखाता हूं मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया मान लो मेरे पास आ गया एनएच प्लस एच सी एल सर करके बताइए करते हैं क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले सर क्या करना है सेपरेट करना है तो देखो एनए के ऊपर प्लस ओ एच पर माइनस एच के ऊपर प्लस सीएल पर माइनस हो गया सेपरेट हो गया हमारा उसके बाद क्या करना है इक्वलाइज करना है। देखो दोनों के प्लस माइनस पहले से इक्वल है दोनों के प्लस माइनस पहले से ही इक्वल है ठीक है सर हो गया आप क्या करें आप क्या कर दो सर आयन एक्सचेंज कर दो क्या कर दो आयन एक्सचेंज कर दो ठीक है चलो कर देते हैं तो देखो पहले सेपरेट कर दिया आप क्या कर दो आयन एक्सचेंज कर दो तो क्या करो पहले वाले का प्लस लिखो एन ए प्लस और दूसरे वाले का माइनस लिखो सी एल माइनस तो क्या हो जाएगा NaCl देखो प्लस माइनस इक्वल है यहाँ भी हाँ प्लस फिर पहले वाले दूसरे वाले का प्लस कौन है OH और दूसरे वाले का माइनस कौन है OH तो H और OH मिलकर क्या बनाते हैं H2O क्या बनाते हैं H2O देखो तुम कितना इजीली सीख गए देखो सारी चीज है मैंने बताई है शुरू में टफ लगेगा लेकिन भाई बेटे, बेटा जैसे ही तू प्रैक्टिस करेगा ना जैसे ही तू प्रैक्टिस करेगा ये सब कुछ बनेगा तेरे से यहीं पर चल एक और देख मान तुम्हारे पास क्या जाता है मेरे प्यारे बच्चों मान लो तुम्हारे पास आ जाता है कि एम जी ओ एच होल्ट प्लस आ जाए तुम्हारे पास एच सी एल क्या आ जाए एच सी एल चलो इसको करते हैं क्या करना है सबसे पहले देखो एम जी के ऊपर क्या होता है कितना आवेश होता है वो याद होना चाहिए बेटा मांगे समझ रहे हो ग्रुप टू मतलब प्लस टू इन दोनों में से एक के ऊपर याद होना चाहिए एम जी के ऊपर प्लस टू और OH पर क्या जाएगा फिर माइनस टू क्यों आएगा देखो एस प्लस टू है तो बाकी दो ओ के ऊपर आएगा एक OH पर कितना होगा हो हो कि हो OH OH क्या है माइनस वन इसके ऊपर माइनस रहे हो और इन दोनों को साथ में उन्होंने क्या लिख दिया ओ एच होल्ड वाइस अच्छा वैसे ही एच सी एल है एच के ऊपर प्लस होगा सीएल पर माइनस क्या कर दिया तुमने तार हमने आवेश को चार्जेस को सेपरेट कर दिया क्या कर दिया सेपरेट कर दिया ठीक है भाई सीख गए अब अब क्या क्या करें कर तो दो तो कुछ नहीं समझ गया तो एम जी ओ एच होल्ड होल्ड टॉयस प्लस टू एच सी एल अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों अब कुछ नहीं करना अब सिंपल आयन एक्सचेंज करना है। तो पहले वाले का प्लस लाओ वो कौन है एम जी जिसके ऊपर आवेश कितना है प्लस टू और दूसरे वाले का माइनस कौन है सी एल जिसके ऊपर आवेश कितना है आवेशन समझ रहे हो अब क्या कर दो इस वन को यहाँ करो टू को यहाँ करो देखो जब क्रिस क्रॉस करोगे यहाँ और ये यहाँ तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर आ जाएगा एम जी सी एल टू क्या जाएगा एम जी सी एल टू एकदम बवाल ट्रिक है है ना मजेदार ट्रिक है ठीक है और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एच और ओ एच मिलकर क्या बना लेंगे एच टू हो अब यहाँ दो एच है और दो ओ एच है देखो एक एच और एक ओ एच मिलकर क्या बना रहे थे एच टू ना दो एच और दो एच मिलकर क्या बनाएंगे टू एच टू मैं लिख देता हूं टू एच टू ओ है क्या टफ है क्या टफ नहीं सबसे पहले हमने क्या किया सेपरेट किया फिर क्या किया इक्वलाइज किया और फिर उसके बाद क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया बहुत ही शानदार ट्रिक है ना पंकज सर ने ये ट्रिक दिया तुम लोगों को ये इजीली तुमसे बनना चाहिए इजीली तुमसे बनना चाहिए बहुत बढ़िया और देखते हैं और एग्जांपल्स करते हैं ठीक है मान लो मेरे प्यारे बच्चों कभी ऐसा आ जाए है ना मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कभी तुम्हारे पास मेरे प्यारे बच्चों ऐसा जाए एन ए टू सी ओ थ्री प्लस आ जाए तुम्हारे साथ क्या इसके साथ आ जाए तुम्हारे पास एच टू एस ओ फोर क्या जाए एन ए टू सी ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर इस अभिक्रिया क्रिया को कैसे करेंगे करें चलो करते हैं पहले क्या करेंगे सर सिखाओ भाई बताओ मुझे पहले इस वीडियो को पॉज करो और इस प्रश्न को सॉल्व करो 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 चलो हो गया पॉज करा होगा तुम लोगों ने आई होप तुमने अटेम्प्ट किया होगा सबसे पहले क्या होगा सर एन ए के ऊपर प्लस वन होता है कितना होता है प्लस वन अच्छा दो है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ प्लस टू क्या लिखना पड़ेगा प्लस टू अब इसके ऊपर प्लस तो CO3 पर क्या आएगा ये याद होना चाहिए तुम्हें अगर एक के ऊपर प्लस है तो दूसरे के ऊपर उतना ही माइनस आ जाएगा समझ रहे हो हाँ। और प्लस माइनस भी धातु अधातु के मध्य करना है चलो एच के ऊपर क्या आएगा भाई एक के ऊपर प्लस वन तो दो है दो इसके ऊपर प्लस टू और एफ सल्फेट पर क्या आ जाएगा माइनस टू समझ रहे हो ना तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन होता है दो के ऊपर प्लस टू और एसओ फोर के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस टू अब क्या कर दो सर पहले अब चार्जेस इक्वलाइज करूंगा पर मैं यहां देखता हूं पहले से इक्वल है तो मैं कुछ नहीं करूंगा माइनस टू इस पे माइनस टू पहले से इक्वल है अब क्या कर दो अब सर आयन एक्सचेंज कर देते हैं तो देखो पहले वाले का प्लस कौन सर पहले वाले का प्लस जो है वो एन ए है और एनए पे प्लस वन है सर अकेला क्यों लिखा मैंने अब ये डाउट आ रहा होगा अकेला क्यों लिखा बेटा अकेले ही लिखना है तुम्हें ठीक है ये दो एन ए के ऊपर प्लस टू था अपने को एक एन ए लिखना है समझ गए अच्छा दूसरे वाले का माइनस कौन है सर दूसरे वाले का माइनस जो है वो एसो फोर माइनस टू क्या है एसओ फोर माइनस टू आप क्या करोगे इस टू को यहां रखोगे वन को यहां क्या हो जाएगा एन ए टू एसो फोर क्या हो जाएगा एन ए टू एस ओ फोर इक्वल हो गए अब क्या करना है प्लस यहाँ देखो एच एच क्या है सर एच के ऊपर प्लस है ना और सी ओ थ्री कितने सर माइनस टू तो सी ओ थ्री पर क्या हो जाएगा माइनस टू बेटा ये हमें पूरी है ना तुम्हारी जो बुक में जितनी भी रिएक्शन दिए उन सबके ट्रिक बताइए अच्छा अब देखो अब क्या हो जाएगा ये टू यहाँ वन यहाँ क्या हो जाएगा एच टू थ्री क्या बन जाएगा एच टू थ्री और बेसिकली बेटा ये अनस्टेबल होता है और ये किस में टूट जाता है एच टू ओ प्लस सीओ एच टू ओ प्लस टू तो ये याद रखना कि अगर कभी एच टू थ्री आ जाए तो क्या कर दोगे एच टू ओ प्लस टू में तोड़ दोगे अगर तुम्हारे पास एच टू एस ओ थ्री आ जाए तो किस में तोड़ दोगे एच टू ओ प्लस टू में ठीक है हाँ तो ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है और इसके बाद तुम कोई भी रिएक्शन की कोशिश करने करने की कोशिश करोगे तुमसे ईजिली बनेगा तुमसे ईजिली बनेगा ठीक है अब मैं है ना बेटा तुम्हारे सामने एक बहुत टफेस्ट रिएक्शन रख रहा हूँ जहाँ पर ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं बट टफ है नहीं क्योंकि तुम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो बेटा तुम किसके स्टूडेंट हो फिजिक्स वाला के स्टूडेंट हो तो चलो आ जाओ देखते हैं अगर तुम्हारे साथ में आ जाए सी ए ओ एच होल्ड ट्वाइस प्लस थ्री पीओ फोर पंकज की ट्रिक याद रखना पंकज सर की ट्रिक याद रखना क्योंकि ये जो बेटा चीज सिखाई है ना ये बहुत यूनिक है बहुत यूनिक है चलो देखो याँ देखो याँ देखो।, याँ देखो अच्छा कैल्शियम पर कितना आवेश होता सर याद कर लेते हैं सर बेटा मांगे कार कार मतलब कैल्शियम तो कैल्शियम पर आ गया प्लस टू अगर इसके ऊपर प्लस टू तो इस पर माइनस टू इसके ऊपर प्लस थ्री तो इस पर माइनस थ्री याद है ना ये तो याद ही हो रहा चाहिए सिंपल है है ना बस चीजें तो मतलब तुम्हें बार बार रिवाइज करना है बार बार क्या करोगे करोगे दो हार नहीं, बार नहीं मानना ठीक है? है चलो अब क्या कर लिया मैंने सेपरेट कर दिया चार्जेस को अब तुम मुझे बताओ क्या करूं क्या करूं इक्वलाइज करूं चार्जेस को इक्वलाइज करने की क्या मेथड है बताओ सर इक्वलाइज करने के लिए आप क्या करो इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ हो जाएगा सेकंड ये फर्स्ट स्टेप हो गई ये सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा ये 3 आ गया तो 3 Ca OH 2 ट्वाइस 2 H3 PO4 ये तुम्हारे रिएक्शन तुम्हारी पूरी बुक में है ना बहुत कम रिएक्शंस करना सीखा है देखो इक्वलाइज भी कर सकते हो इससे तुम आयन एक्सचेंज रिएक्शंस को बैलेंस भी कर सकते हो ना हलवा हलवा लेकिन तुम इतने एडवांस लेवल की चीज पढ़ रहे हो कि तुम्हें वो सारे तो क्या करें भाई अब क्या करो सर अब पहले वाले का प्लस लिखो आयन एक्सचेंज करना पहले वाले का प्लस आ गया सीए प्लस टू और दूसरे वाले का माइनस कौन है दूसरे वाले का माइनस कौन है बताओ दूसरे वाले का माइनस हो गया सर पीओ फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा थ्री यहां टू यहां क्या हो जाएगा सी ए थ्री पीओ फोर होल्डस सी ए थ्री पीओ फोर होल्डस होल्ड समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों हाँ समझ रहे हो ना वेरी गुड अच्छा इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद देखो यहां कितने एच है बताओ एच कितने सर तीन दिख रहे हैं मुझे कितने दिख रहे हैं तीन अब कितने हैं सिक्स अभी कितने दिख रहे हैं तीन अब कितने मतलब एच हैं OH कितने है बताओ अभी सर दो हैं अब कितने आप कितने दो सिक्स एच और सिक्स ओ एच मिलकर क्या बनाएंगे सिक्स एच टू देखो ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये जो था ये क्या था भाई फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक अम्ल ठीक है ये बना क्या कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट और ये क्या बना जल देखो कितनी टफ रिएक्शंस है ना टफ नहीं थी लेकिन तुम लोगों को है ना बस सिंपल यही याद रखना कि कंसेप्ट याद रखना है में देखो बेटा कंसेप्ट को सीखने में ना थोड़ी दिक्कत मिल जाती है लेकिन ये है ना फिर अमर हो जाता है तुम्हारे कंसेप्ट समझ रहे हो तो फिर तुम क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो नहीं याद करोगे कितनी एक याद करोगे है ना कितनी एक याद करोगे उससे चंद तो में एक कंसेप्ट को दो बार देख लेता हूँ दो बार समझ लेता हूँ समझने की कोशिश कर रहे हो हाँ तो ऐसी ट्रिक है ना भले थोड़ी सी तुम्हें टफ लगे लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इतना है ना इससे मतलब शायद ही तुम्हारी बुक का कोई क्वेश्चन हो जो ना बने शायद ही कोई बुक का क्वेश्चन समझ रहे हो हाँ तो ऐसे तुम लोगों को करनी है ऐसे तुम लोगों को करनी है तुम्हारी जो जितनी भी दीकर रखी है भाई बुक में जो मतलब बुक में रिएक्शन देख रही है तो उन सबको क्या करना है तो हमें प्रैक्टिस करना है तो और इजीली तुमसे बनने लगेगा ठीक है चलो भाई मैं तुम्हें एक और छोटी छोटी सी चीज़ बता चलो आप प्रश्न को करते हैं ठीक है प्रश्न को करेंगे अच्छा यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग करके क्या बनाते हैं अमोनिया बनाता है, तो देखो, है। नाइट्रोजन क्या करते हैं तो है? है? बैलेंस करते हैं तो है? वो से भी कर लो नहीं तो वैसे तो ये ऐसे ही हो बैलेंस हो जाएगी सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन देखो कितने, है? तीन, यहां कितने, है? दो. कितने यहां तीन है यहाँ दो है क्या करू मैं सर यहाँ पर एक काम करो तीन का मल्टीप्लाई कर दो ये होगा सिक्स और यहां पर दो का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने हो गए सिक्स अब गिनो अब हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन कितने यहां दो यहां दो बैलेंस हो गई रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई रिएक्शन चलो हाँ अब देखोगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा हाइड्रोजन सल्फाइड होगा H2S क्या होगा H2S कैसे निकाला सर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है और सल्फर पर क्या होता है माइनस टू टू यहां और वन यहां क्या हो जाएगा समझे हाँ और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो किसके साथ ऑक्सीजन के साथ चलो तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते क्या, बना रहा, है? और क्या बना, रहा है? जल बना रहा है क्या बना रहा है जल बना रहा है समझ रहे हो ना तो सबसे पहले क्या कर लो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो कितने बैलेंस कर लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं दो यहाँ दो है वो मेथड से भी कर सकते हो एबीसीडी मेथड से लेकिन सिंपल रिएक्शन में तुम ऐसे भी कर सकता हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए फिर कर लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ कितने सर यहाँ पर है एक और दो तीन यहाँ पर कितने हैं भाई दो हैं ना तो अपन क्या कर दो यहाँ तीन का ती ती मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया छः अब यहाँ कितने हैं भाई यहाँ पर है दो और एक तीन यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर ये हो जाएगा चार यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा अब हो गया छः अब फिर से काउंट करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं सर हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं चार हो गए और यहाँ पर कितना दो, तो दो का मल्टीप्लाई कर दो और चार और यहां कितने तो हो गया। अब सल्फर देख लो कितने सल्फर है एक सॉरी यहाँ कितने सल्फर है दो और यहाँ सल्फर दो है कितने हो गए तो सल्फर भी बैलेंस हो गए तो इस तरीके से संतुलित अभिक्रिया को लिख सकते हो चलो एल्यूमिनियम सल्फेट की है ना अब देखो इसको अपन अपनी अभी ट्रक सीखी थी ना उससे करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा सर एल्यूमिनियम मतलब अपन ने चीज सीखी है यह टू।, टू यहां आएगा वन यहाँ आएगा तो क्या जाएगा ए एल टू एसो फोर क्या जाएगा ए एल टू एल एसओ फोर होल्थ राइस बैरियम क्लोराइड क्या होता है कार स्कूटर बाप बाप मतलब बैरियम बैरियम पर प्लस टू होता है और क्लोराइड जो होता है वो माइनस वन तो वन यहां टू यहाँ क्या हो जाएगा बैरियम क्लोराइड समझ रहे हो अब इन दोनों के बीच की अभिक्रिया करवानी इन दोनों के बीच की क्या करवानी है मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया करवानी है चलो भाई तो देखते हैं चलो इधर ही करते हैं देखो अगर तुम बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया देखो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ चलो तो यहां पर क्या हो गया ए एल अल, है ना ए एल टू एसओ फोर अभी लिखा ना होल थ्राइस प्लस बी ए सी एल टू अच्छा इनकी अभिक्रिया करवानी है तो क्या करें सर सबसे पहले सेपरेट करो इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस सिक्स क्यों आएगा प्लस सिक्स एक के ऊपर प्लस थ्री होता है दो के ऊपर प्लस सिक्स इसके ऊपर क्या जाएगा माइनस सिक्स इसके ऊपर प्लस टू और इसके ऊपर माइनस टू अब क्या करें सर चार्जेस इक्वलाइज कर दो क्या कर दो चार्जेस इक्वलाइज कर दो तो यहाँ अगर मैं तीन का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा है ना और ये माइनस सिक्स हो जाएगा देखो प्लस माइनस इक्वल होगा अब क्या कर दें बेटा अब कर दो भाई क्या कर दें अपन अब कर दें अपन क्या कि इनके बीच में आयन एक्सचेंज तो क्या हो जाएगा पहली बात पहले वाले का प्लस कौन है पहले वाले का प्लस है ठीक है यही क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था अपना एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ ना हाँ चलो तो पहले वाले का प्रश्न कौन सा है अपना ये हाँ अब इसमें क्या करेंगे अपन पहले वाले का प्लस कौन है ए एल एल के ऊपर प्लस थ्री होता है एक ए लेंगे ना अपन एक ही सिंगल ए लेंगे और दूसरे वाले का माइनस कौन है सी एल और ये वन यहाँ सॉरी वन यहाँ थ्री यहाँ बन जाएगा AlCl3 प्लस Ba के ऊपर प्लस टू और एसओ पर कितना आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस टू तो एसओ फोर माइनस टू देखो पहले से इक्वल है <laughs> पहले से ही इक्वल है अच्छा यहाँ एक Al दो Al है यहाँ एक Al है तो टू का मल्टीप्लाई कर दो देख लो भाई अच्छा हो गई बैलेंस अच्छा और Ba कितने थे तीन तो यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई कर सिंपल था क्या था सिंपल था अच्छा उन्होंने अपने से सॉल्व करने को नहीं बोला था विक्रिया अपने लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था क्या दिया था देखो अपने लिए उन्होंने कहा था कि बस फार्मूला लिख कर दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया बैरियम क्लोराइड लिख दिया अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा ए एल सी एल थ्री अब इसी ना इसके ऊपर प्लस थ्री इस पर माइनस वन तो थ्री और वन और यहाँ पर क्या बन जाएगा बैरियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट तो वो क्या होता है बी एस ओ फोर अच्छा इक्वल करना है यहाँ दो ए एल है तो दो ए एल का मल्टीप्लाई ग्लॉराइ� करना और यहाँ तीन कितने बी हैं यहाँ पर तीन लेने थे ना प्लस माइनस इक्वल करने के लिए यहाँ तीन भी आ जाते हैं सिंपल था तो बे, बेटा ऐसे ही अपने को सिंपल लिखनी थी और कुछ नहीं एक और सुनो अगर पोटेशियम जो है अपने पास पोटेशियम की तुमने किसके साथ अभिक्रिया करवा दी एच के साथ तो क्या बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो पोटेशियम के ऊपर आवेश कितना होता है के ऊपर प्लस और हाइड्रोक्साइड होता है ओ तो के ओ बनता है और कौन सी अभिक्रिया गैस निकलती है हाइड्रोजन सिंपल वही बैलेंस करो यहां हाइड्रोजन कितने हैं दो तो यहां कितने हैं तीन यहां पर क्या कर दो यहां पर तीन का मल्टीप्लाई कर दो ये कितने हो जाएंगे सिक्स कितने हो जाएंगे सिक्स और ये जो है मेरी वा हाँ, एक सेकेंड मी करेक्ट इट ठीक है हाँ हाँ तो यहां पर के क्या करने वाला है यहां पर के जो है वो हाइड्रोजन को उठा के फेंकने वाला है तो के क्या करेगा भाई दो हाइड्रोजन को निकालना है ना तो क्या करेगा दो के ले लो तो दो हाइड्रोजन को इसने निकाला तो दो हाइड्रोजन निकल गए अब यहाँ पर दो के लिए तो यहाँ दो के हो गए तो सिंपल है बेटा सिंपल तरीके से तुम लोगों को क्या करना है इस अभिक्रिया को बैलेंस करना सीखना है नहीं तो अपनी एबीसीडी मेथड जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी है वो तो तुम आसानी से कर सकते हो बहुत बढ़िया भाई मजा आया अच्छा इसको भी कर सकते हैं ये तो अपनी ट्रिक से होगा देखो H³ी प्लस, H³ी प्लस, H³ी प्लस, H³ी प्लस, h के ऊपर प्लस s ऊपर माइनस इस पे प्लस 2 इस पर माइनस टू क्या करें प्लस माइनस इक्वल करने के लिए टू का मल्टीप्लाई यहाँ दो सोच रहे हो ना आप हाँ अच्छा अब यहाँ पर क्या हो गया टू का मल्टीप्लाई हो गया एन ओ थ्री ट्वाइस हो गया एच टू कितने निकलने थे दो एच दो एच तो टू एच टू निकल जाएगा यही अभी क्रिया बैलेंस हो गई भाई और क्या करना है ये सिर्फ सिर्फ है ना एन ए के ऊपर प्लस ओ एच में माइनस एच के ऊपर ये दो एच टू ऐसे फोर है ना एच के ऊपर प्लस टू इसके ऊपर माइनस टू दो एच है ना इसके लिए प्लस टू ठीक है अब क्या करो प्लस माइनस इक्वल करने के लिए यहाँ का मल्टीप्लाई कर लो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दो एच हैं दो ओ हैं तो टू टू निकल जाएगा एन पर प्लस सी एल पर माइनस ठीक है ए जी पे प्लस एन ओ पे माइनस पहले से ही बैलेंस है भाई क्या बन जाएगा ए जी क्या आएगा ए जी ए सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए लेट मी करेक्ट इट यहाँ आ जाएगा ए

जाएगी प्लस माइनस इक्वल करो ये अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगी बहुत बढ़िया ठीक है अच्छा ये अभी क्रिया को देखते हैं ये बोल रहा है लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड की वाली विलयन वाली परख नली में डाला जाता है लेड नाइट्रेट क्या होता है अभी सिखाया था ना लेड के ऊपर कितना आवेश होता है पीवी के ऊपर होता है प्लस टू और नाइट्रेट होता है एनओ थ्री के ऊपर माइनस तो वन यहाँ टू यहाँ क्या हो जाएगा ठीक है अब इसको किसके साथ डाल रहे हो के आई के साथ डाल रहे हो किसके साथ डाल रहे हो के आई के साथ अब आ, डाला जाता है पलट में डाला जाता है तो क्या होता है देखते हैं अच्छा ठीक है हाँ। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम लिखना है अपने को देख लेते हैं तो लेड नाइट्रेट अभी लिखा था मैंने क्या होता था पी बी एनओ थ्री ओल्टवाइस प्लस पोटेशियम हाइड्रेड के आई है ना अब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है देखो जो लेड है इसके ऊपर प्लस टू है इसके ऊपर माइनस टू इसके ऊपर प्लस वन इसके ऊपर माइनस वन प्लस माइनस इक्वल करने के लिए टू का मल्टीप्लाई ये हो गया मेरा लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट और ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया पोटेशियम आयोडाइड ठीक है हाँ पोटेशियम आयोडाइड ठीक है अच्छा अब क्या करें भाई आप क्या कर दो इस टू का मल्टीप्लाई होगा पहले वाले के प्लस को लिखो वो होगा अपना ई बी प्लस टू और आयोडीन कौन है आयोडाइड मतलब I आय माइनस तो वन यहाँ टू यहाँ क्या हो जाएगा पी बी आई टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पी बी आई टू लिख देते हैं अपने इसको ठीक है हाँ और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों और हो जाता है अपना देखो के बन जाएगा के के ऊपर प्लस और एनओ पर माइनस होता है माइनस वन होता है देख दो एनओ थ्री है ना एक एन ओ थ्री केन तो दो है तो माइनस टू तो क्या हो जाएगा के एन ओ थ्री तो बन जाएगा के थ्री। चलो लिख देते अच्छा वहां पर के हैं देख वहां पर के है सर वहां पर है भाई के है कितना दो और यहां पर एनओ थ्री भी दो है तो मैं टू के एन थ्री बनू अब एक बात हमेशा याद रखना ये जो बनता है ना ये होता है लेड आयोडाइड क्या होता है लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड है यह कैसा होता है पीला, पीला कैसा होता है अवक्षेप। अवक्षेप मतलब सॉलिड होगा, अलग हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा यह सॉलिड होता है यह भी क्या होगा एक्वस, मतलब यह अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है ठीक है यह अवक्षेपण अविक्रिया का उदाहरण है ठीक है हाँ तो यौगिक का नाम लिखना है तो वो क्या हो जाएगा अपना लेड आयोडाइड, ठीक है सिंपल शामिल रासायनिक समक्र लिख लिया अपन ने अपने उत्तर की पुष्टि करने वाली सभी क्रिया के प्रकार का नाम बताइए क्या होगा भाई अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर बोल सकते हो विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण होगी ठीक है अवक्षेपण होगी अवक्षेपण अभिक्रिया है या फिर और क्या लिख सकते हो अवक्षेपण अभिक्रिया ठीक है ये पॉइंट याद रखना या फिर क्या बोलते हैं ठीक है तो उल सी थीके? हाँ ठीक है अभिक्रिया ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो अब है ना लगभग मैंने सारे केसेस तुम्हारे है ना सब आ, अध्याय से संबंधित मैंने सारे कंसेप्ट तुम्हारे साथ शेयर किया है हमने बहुत सारे प्रश्नों के प्रैक्टिस भी करी ठीक है और इसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट दूंगा है ना प्रैक्टिस शीट दूंगा और उसके बाद ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों है ना जितनी भी वेराइटीज जहां से भी अपने प्रश्न आ सकते हैं हमने सब कवर किया है ठीक है और इसी के साथ मैं तुम्हें सभी को ऑल दी बेस्ट देखूंगा इसके बाद हम मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम्हें अगला चैप्टर करवाने वाला हूँ कौन सा है भाई हाँ वो हम देखने वाले हैं अम्ल छार एवं लवण ठीक है एसिड बेस एंड सॉल्ट ठीक है वो भी हम देखेंगे धातु अधातु भी देखेंगे और हमारा क्या बचा है कार्बन एवं उसके यौगिक वो भी हम देखने वाले हैं ठीक है तो इसी के साथ ऑल दी बेस्ट है ना चलो खत्म कर